हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। हमने पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम लुशा पकोयली ने इन्वेंट कर दिया था। तो उसने बोला कि हर ट्रांजेक्शन में क्या होगा, एटलीस्ट दो अकाउंट इन्वॉल्व होते होंगे और एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। या ऐसा बोलो तो इन एवरी ट्रांजेक्शन देयर विल बी एन इक्वल, फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी एन इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो हमने पढ़ा था कि हर ट्रांजेक्शन में क्या होगा, कोई अकाउंट डेबिट होगा तो कोई अकाउंट क्रेडिट होगा। किस बेसिस पे, ये ड्यूअल एस्पेक्ट के बेसिस पे ये चीज है, ठीक है। और हमने बोला एटलीस्ट दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, किसमें, एक ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर दो से ज्यादा अकाउंट होंगे तो हो सकता है दो अकाउंट डेबिट हो जाएंगे या एक अकाउंट क्रेडिट होगा, बट जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो वो बराबर होगा, ठीक है। किसने ये दिया था, लुशा पकोयली ने। फिर हमने पढ़ा था कि अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो कोई भी जो इवेंट हो जाएगा जिसमें फाइनेंशियल नेचर की ये एक्टिविटीज होती होंगी उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें एटलीस्ट दो अकाउंट्स इन्वॉल्व, दो अकाउंट्स का मतलब क्या था, फिर हमने पढ़ा था अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो हमने पढ़ा था ये जितने भी चीजें, हमने जो बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स, बिजनेस में अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा था पहले, बेसिक अकाउंट टर्म्स, तो ये सारी चीजें जो होती है, जो ये ट्रांजेक्शन में होती है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। जैसे हमारा कोई एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अकाउंट्स बोलते हैं। तो अकाउंट बेसिकली क्या है, हम इन सब का एक खाता रखते हैं, ठीक है। और किस फॉर्मेट में रखते हैं सर, टी फॉर्मेट में हम किसी भी चीज का हिसाब रखते हैं, एक पेज में रखते हैं, लेजर में रखते हैं, और उसको बोलते हैं इसका अकाउंट। जैसे ये डेटर का अकाउंट, ठीक है, इसी तरीके से फर्नीचर का अकाउंट। तो हर किसी का हम एक एक अकाउंट खोलते हैं, वहां पे उसका हिसाब रखते हैं। और इस अकाउंट की खुशियत क्या होती है सर, ये टी फॉर्मेट में होता है, एक इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो जब हम बोलते हैं एक अकाउंट को डेबिट करो, तो हमारा मतलब यही होता है कि हम जो रिकॉर्डिंग करोगे उसकी डेबिट साइड में करोगे, और जब हम बोलते हैं किसी अकाउंट को क्रेडिट करो, तो हमारा मतलब होता है उसकी क्रेडिट साइड में एंट्री करो। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, जब पूरा हिसाब होता है उसके बाद ईयर एंड पे हम इस अकाउंट को टैली करते हैं, देखते हैं डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, उस हिसाब से पता चलता है इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा, इन सब अकाउंट्स का, किसी का डेबिट बैलेंस होगा तो किसी का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे भी क्योंकि हमने बोला था जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, तो ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डेबिट्स विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स। फिर इसमें हम देखते हैं जो पीएनएल के आइटम्स हैं वो प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो हम अकाउंटिंग करेंगे कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसके हमारे पास दो अप्रोचेस है ये डिसाइड करने के लिए कि किस अकाउंट को डेबिट करें, किस अकाउंट को क्रेडिट करें। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता था, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता था कि जितने भी अकाउंट्स है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, डेटर, फर्नीचर, सैलरी, कैपिटल, जितने भी अकाउंट्स है, ये तीन तरह के हो सकते हैं। क्या पढ़ा था हमने, वो बोलता है ट्रेडिशनल अप्रोच कि एक अकाउंट या तो पर्सनल हो सकता है, या तो रियल हो सकता है, या नॉमिनल हो सकता है। तो जब तुम जर्नल एंट्री करोगे तो सबसे पहले देखो इसका नेचर क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन में अकाउंट इन्वॉल्व हो गए हैं उन अकाउंट्स का नेचर क्या है। तो वो अकाउंट या तो पर्सनल हो सकता है, या तो रियल हो सकता है, या नॉमिनल हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था पर्सनल क्या होता है, तो हमने पढ़ा था जो पार्टीज होते हैं जिसमें पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उन अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे मेरा एक डेटर है जुबैर, तो वो मेरा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। मैं उस दुकानदार का डेटर हूं, तो वो मैं क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। या कोई कंपनी हो सकती है, इसमें फर्दर है वो मैं अभी बताता हूँ। तो इस तरह से जो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, डेटर, क्रेडिटर, इन सब को बोलते हैं हम पर्सनल अकाउंट्स। और क्या हो सकता है सर, वो एसेट हो सकता है, एसेट हो सकता है बिजनेस का, तो उनको हम बोलते हैं रियल अकाउंट्स। सर वो इनकम हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, इन सब के नेचर की जो चीज़ें होते हैं इनकम या एक्सपेंसेस, उनको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो ये पता चला, ठीक है सर, अकाउंट या तो पर्सनल में फॉल करेगा, या तो रियल में फॉल करेगा, या तो नॉमिनल में फॉल करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनका रूल देखते हैं, रूल क्या है। तो पर्सनल का रूल क्या है सर, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अगर एक अकाउंट का नेचर पर्सनल है और वो पर्सन पैसे ले रहा है, तो उसको हम डेबिट करेंगे, या वो बेनिफिट, हमने बोला था ट्रांजेक्शन में क्या होता है, लेन देन होता है, कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है। तो अगर वो बंदा ले रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर वो बंदा दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, मतलब उसके क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे। इसी तरह से हमने पता रियल अकाउंट का रूल क्या होगा,
रियल अकाउंट्स एसेट्स कंटेक्स्ट में याद रखो, तो एसेट हमारे पास आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, एसेट जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद बोला फिर नॉमिनल, नॉमिनल लेवल के अकाउंट्स होंगे, नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होंगे जो इनकम या एक्सपेंस के नेचर के होंगे। तो उसमें बताया डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर तुम्हें कोई इनकम हो रही है तो उसको क्रेडिट करो, मतलब उसके क्रेडिट साइड में एंट्री डाल दो, और अगर तुम्हें कोई एक्सपेंस हो रहा है उसके डेबिट साइड में एंट्री डालो। फिर जब ये इनकम और एक्सपेंस के नेचर के होते हैं ना, जब ये ट्रायल बैलेंस में आते हैं तो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होगा और इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, क्योंकि हमने क्या किया, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया तो इनकम को क्रेडिट किया है। तो जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे लास्ट में क्या निकलेगा, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, इनकम का क्रेडिट साइड होगा। ये दोनों फिर जाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस में भी क्रेडिट साइड है डेबिट साइड है। तो ये इनकम्स कहां से जाएंगे, सर ये क्रेडिट साइड से जाएंगे, एक्सपेंस डेबिट साइड से जाएंगे। इसमें से ये माइनस करते हैं तो हमें निकलता है नेट प्रॉफिट। इट्स जस्ट लाइक ये प्लस होता है ये माइनस होता है। तो इनकम्स को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर इसमें से ये माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। ये हमारा बेसिकली कहने का मतलब होता है, तुम इनको क्रेडिट में ले तो इनकम को क्रेडिट में लेते हैं, एक्सपेंस को डेबिट में लेते हैं। फिर जब पीएनएल बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में इनकम्स डालते हैं, डेबिट साइड में एक्सपेंस डालते हैं, तो हमें निकलता है फिर, हमें क्या निकलता है फिर, नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, जो हमारा अल्टीमेटली गोल था। और उस नेट प्रॉफिट को अलॉन्ग विद कैपिटल हम क्या लेते हैं, बैलेंस शीट में लेते हैं। तो ये बेसिकली था ट्रेडिशनल अप्रोच में, जिसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं इन द नेचर ऑफ पर्सनल और रियल और नॉमिनल, एंड देन वी अप्लाई द रूल ऑफ दैट अकाउंट। पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। उसके बाद हमने पढ़ा था एक दूसरा अप्रोच है जो मॉडर्न अप्रोच है। क्या है, मॉडर्न अप्रोच है जिसके बेस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। मतलब आप ट्रेडिशनल के बेस पे भी कर सकते हो, मॉडर्न के अप्रोच बेस पे कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, बट डिपेंड करेगा आपको कौन सा चीज अच्छा लगता है। मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। तो मॉडर्न अप्रोच इसी चीज को आगे लेके ले लेता है। फिर ये बोलता है कि हमने बोला था प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं। अगर प्रॉफिट आएगा बिजनेस में, बिजनेस तुमने कमा दिया, सपोज 3 लाख का तुम्हें प्रॉफिट आया था, तो प्रॉफिट भी तो बिजनेस के एसेट्स में लगा होगा ना, तो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ पे होगा, वो प्रॉफिट का जो पैसा होगा वो इधर होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, उसको कैपिटल में ऐड करते हैं। फिर हमने जो उसमें लास्ट वाला लेक्चर देख लेना, उसमें हम लास्ट में इस नतीजे पे पहुंचे थे कैपिटल प्लस इनकम, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इसमें हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कैपिटल प्लस इनकम प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट एंड एसेट प्लस एक्सपेंस। तो मॉडर्न अप्रोच बोलता है तुम जो अकाउंट्स है ना, जितने भी अकाउंट्स है, जैसे तुम ट्रेडिशनल में बोलते थे कि एक अकाउंट का नेचर या तो पर्सनल, रियल या नॉमिनल हो सकता है, मॉडर्न बोल सकता है ये बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे हिसाब से कोई भी अकाउंट जो होगा, या तो वो कैपिटल होगा, या तो वो इनकम होता, या वो लाइबिलिटी होगी, या एसेट होगा, या एक्सपेंस होगा। तुम वहां से भी देखो, तुम अकाउंट को, किसी भी अकाउंट को देखो, अगर कैश है वहां पे अकाउंट, तो हम वहां पे ट्रेडिशनल में बोलते थे सर कैश तो रियल अकाउंट है, तो यहां बोलेंगे कैश विल फॉल इन द एसेट। तुम कैपिटल होगी वहां पे, तुम बोलोगे ये पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल यहां पे फॉल करेगा। तुम सेल्स बोलोगे वहां पे इनकम, तो इनकम यहां पे आ गया। लाइबिलिटी क्रेडिटर यहां पे आ जाएगा, एक्सपेंस कोई तो यहां पे आ जाएगा। तो कोई भी अकाउंट होगा वो या तो कैपिटल होगा, या तो इनकम होता, या वो लाइबिलिटी होगा, या तो एसेट होगा, या तो एक्सपेंस होगा। ठीक है, यहां मैं जस्ट आपको बताता हूं, ये इनकम और एक्सपेंस जो है, ये वाले अकाउंट जाते हैं पीएनएल में, क्या जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, नहीं जाते सर? हाँ, इनकम और एक्सपेंस जाते हैं प्रॉफिट लॉस में। तो यहाँ पे हम इनकम डालते हैं और यहाँ पे एक्सपेंस डालते हैं, फिर हमें यहाँ पे जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट जाता है फिर बैलेंस शीट में कैपिटल में। तो ये तीन चीजें, कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट, ये जाते हैं बैलेंस शीट में, इनकम और एक्सपेंस जाते हैं प्रॉफिट लॉस में, वहां से प्रॉफिट निकलता है, उसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ले लेते हैं। ठीक है, समझ आई बात, ऐसे गेम चलती है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि वो जो अकाउंट्स होंगे वो या तो कैपिटल हो सकता है, या तो इनकम हो सकता है, या तो लाइबिलिटी होता है, या तो एसेट होगा, या डेबिट होगा, ये एक्सपेंस होगा। तो उनका कहना था अगर ये तीन चीजें, कैपिटल, इनकम और लाइबिलिटी, अगर ये इंक्रीज हो रही है, अगर ये बढ़ रही है तो तुम क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। मतलब अगर कैपिटल बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करोगे, कैपिटल को क्रेडिट करोगे। जब वो बंदा बिजनेस में पैसा ला रहा था, तो हम बोल रहे थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो उसकी कैपिटल बिजनेस में बढ़ रही थी ना,
तो हम क्या करते थे, कैपिटल को इंक्रीज करना है तो उसको क्रेडिट करते थे। इसी तरीके से वो बोलते हैं कि अगर एसेट एसेट और एक्सपेंस बढ़ रहा है, अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करोगे। अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और उसका उल्टा क्या होगा, अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो इनको डेबिट करोगे, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो इनको क्रेडिट करोगे। ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत सिंपल था। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोल रहा था, हम अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे, या तो वो पर्सनल होगा, या तो वो रियल होगा, या नॉमिनल होगा। पर्सनल का रूल क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये भी वही बोलता है, बट ये पर्सनल रियल और नॉमिनल की बात नहीं करता। ये बोलता है कोई भी अकाउंट या तो कैपिटल हो सकता है, या तो इनकम हो सकता है, या तो लाइबिलिटी होगा। बोल रहा है अगर वो इनकम है और बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करो। क्या ट्रेडिशन में भी यही करते थे? हाँ सर, ट्रेडिशन में इनकम के लिए क्या रूल था? सर, ट्रेडिशन में इनकम के लिए रूल था क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कि इनकम्स और गेन्स जो होंगे उनको क्रेडिट करोगे। हाँ भाई, यहां भी तो यही करते हैं, यहां पे भी तो क्रेडिट कर रहे हैं। हाँ ये ठीक है। कैपिटल क्या था वहां पे? सर, कैपिटल पर्सनल में होता था, क्रेडिट द गिवर, तो हम कैपिटल उसमें क्रेडिट करते थे। यहां पे कैपिटल के बारे में बोलता, कैपिटल बढ़ रही है ना तो उसको क्रेडिट करो। इसी तरीके से लायबिलिटी क्या होता, तो कोई पर्सनल अकाउंट होता, क्रेडिटर वेटर होता, तो उसको क्या बोलते थे, क्रेडिट द गिवर अगेन, तो यहां पे भी हम क्या बनेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। एसेट क्या था, रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, तुम्हारे पास आ रहा है तो उसको डेबिट करो। एक्सपेंस क्या था, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उनको डेबिट करोगे। और अगर इनका उल्टा है तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज, अगर ये डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल कम हो रही है, तो इट मींस वो पैसा निकाल रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो उसको डेबिट करेंगे। इसी तरह से यहां पे भी आप क्रक्स क्या निकला, कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट करो, अगर कम हो रही है तो डेबिट करो। इसका उल्टा हो जाएगा एसेट के लिए, अगर एसेट बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, अगर एसेट कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो अगर तुम इतना ही याद रखोगे तो तुम्हें आंसर आ जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो क्रक्स में तुम्हें मॉडर्न अप्रोच में यह चीज याद रखना है कि कैपिटल लायबिलिटी पहले, ये कैसे याद रहेगा तुम्हें, अकाउंटिंग इक्वेशन को याद रखो। क्या रखोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन को याद रखो। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। फिर उसको जब फर्दर इलाबोरेट किया, कैपिटल में प्रॉफिट भी जब आ जाएगा अगले साल, तो प्रॉफिट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो अब इसको जब इक्वेशन में पुट कर दिया तो एक तरफ से आएगा कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी, दूसरी तरफ से आएगा एसेट और एक्सपेंस। ये चार पांच से याद रही, अकाउंटिंग इक्वेशन तुम्हें याद रही, एक तरफ से आएगा कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी, ये मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूव करके दिखा दिया कैसे आ जाता है, और एक तरफ से आएगा एसेट और एक्सपेंस। ठीक, उसके बाद तुम्हें याद रहा है कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे, एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा उसको डेबिट करोगे। तो यहां तुम्हारे से किसी को डाउट हो सकता है, सर ये क्यों हो रहा है, कि हम क्या कर रहे हैं, ये जब बढ़ रहे हैं इसको क्रेडिट कर रहे हैं, हम ये जो बढ़ रहे हैं इनको डेबिट कर रहे हैं। मैं बोलूंगा बेटा हमने क्या पढ़ा था, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट, देयर विल बी इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट, फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये दो साइड है ना, ये एक साइड है, ये दो साइड है। तो अगर अब देखो, मैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जो लॉजिकल है, जो लॉजिक्स के बेसिस पर है, उसको समझोगे ना तो कभी नहीं भूल जाओगे। हालांकि वैसे भी नहीं भूल जाओगे ट्रेडिशनल अप्रोच, बट उस लॉजिक को पकड़ोगे ना तो आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि बोलेंगे हाँ यार ये तो गेम है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, कैपिटल अगर बढ़ जाएगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, एसेट अगर बढ़ जाएगा हम उसको डेबिट करेंगे। मैंने उस दिन तुम्हें जब अकाउंटिंग इक्वेशन बोला था, ये सोर्स होता है, ये एप्लीकेशन होता है, यहां से पैसा आएगा, यहां लगेगा। अगेन मैं पहली एग्जांपल बोलता हूं, जब मालिक ने पैसा लाया था तो एंट्री क्या कर रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपया, ये एंट्री करते थे। हाँ सर, ये एंट्री करते थे। क्या क्या बढ़ा, सर 5 लाख कैपिटल बढ़ गई और एसेट बढ़ा कैश 5 लाख, 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। तो ये तुम कब कर सकते हो, जब तुमने इसको क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया और इसको डेबिट कर दिया। समझ आई बात, तुमने क्या किया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और एसेट को डेबिट कर दिया।
मतलब क्या होगा इसका कि सर जो कैपिटल का अकाउंट होगा, कैपिटल का अकाउंट होगा ये इसका क्रेडिट साइड होगा, ये डेबिट साइड होगा, हम यहां पे एंट्री करेंगे 5 लाख। और इसी तरह से जो कैश का अकाउंट होगा उसमें एक डेबिट साइड होगा उसको क्रेडिट साइड है, तो यहां पे डेबिट डालेंगे 5 लाख। तो 5 लाख का क्रेडिट, 5 लाख का डेबिट। अगर इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। ये लेजर अकाउंट का टोटल किया, यहां पे इसका क्रेडिट बैलेंस 5 लाख का, इसमें डेबिट बैलेंस 5 लाख का। उसके बाद जब तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे वो इस तरह से बनेगा, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, यहां पे कैश है 5 लाख और यहां पे कैपिटल है 5 लाख। टोटल करो, ये 5 लाख, ये 5 लाख, ये दोनों बैलेंस शीट के आइटम्स है। बैलेंस शीट में यहां पे कैश आएगा 5 लाख, यहां पे कैपिटल आएगा 5 लाख। बराबर हो गया? हाँ सर, ये 5 लाख, ये 5 लाख। अब कैसे करते हैं? हम बोलते हैं कि अगर ये तीन चीजें होंगे और बढ़ रही हैं तो इनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से यहां पे एक और चीज जो मैं बोला, कभी ये मत याद रखो कि क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट माइनस होता है। होता है, बट हमेशा के लिए कोई क्रेडिट प्लस नहीं होता है और हमेशा के लिए डेबिट माइनस नहीं होता है। बट तुम ऐसा बोल सकते हो, कैपिटल इनकम और लाइबिलिटी, कैपिटल इनकम और लाइबिलिटी के लिए जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट का मतलब प्लस होता है। कैपिटल इनकम और लाइबिलिटी के लिए जो क्रेडिट होता है उसका मतलब प्लस होता है, एसेट और एक्सपेंस के लिए डेबिट का मतलब प्लस होता है। इसी तरीके से कैपिटल इनकम और लाइबिलिटीज के लिए डेबिट माइनस होता है और एसेट और एक्सपेंस के लिए क्रेडिट माइनस होता है। तो हमेशा डेबिट का मतलब प्लस नहीं होता है, हमेशा क्रेडिट का मतलब माइनस नहीं होता है। बट अकाउंट्स के हिसाब से अगर तुम देखो तो कैपिटल इनकम और लाइबिलिटी में प्लस अब तब के लिए क्रेडिट प्लस होगा, जबकि एसेट और एक्सपेंस के लिए क्रेडिट माइनस होगा, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट है, क्रेडिट भी है और डेबिट भी होगा एक ही। अगर ये बढ़ेगा एसेट भी बढ़ेगा। और एक चीज जो मुझे यहां पर बोलनी है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी उसमें देखो क्या होगा, सारा गेम इंक्रीज डिक्रीज का होगा। जैसे पहली ट्रांजेक्शन में क्या थी, कैपिटल बढ़ रही थी और यहां पे एसेट बढ़ रहा था, ठीक है। अब मैं दूसरी ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने फर्नीचर लाया, अकाउंटिंग इक्वेशन मुझे बराबर रखनी है। दूसरे केस में मैंने फर्नीचर लाया, फर्नीचर में क्या हुआ सर, एक एसेट बढ़ गया और उतना ही एक एसेट कम हो गया। तो एक एसेट जो बढ़ेगा उसको डेबिट करूंगा, दूसरा अकाउंट को कम हो जाएगा उसको क्रेडिट करूंगा, तो दोनों इस तरफ हो जाएंगे, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा चीज क्या है, मैंने फर्नीचर उधार लिया, जब मैंने फर्नीचर उधार लिया तो यहां पर मेरा क्या होगा सर, एसेट बढ़ेगा और यहां से मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, या तो अकाउंट इक्वेशन में ये वाला साइड बढ़ेगा तो ये वाला साइड भी बढ़ेगा, ये वाला साइड कम होगा ये वाला साइड भी कम होगा, या तो ऐसा होगा यहां पे एक बढ़ेगा एक कम हो जाएगा तो यहां कुछ नहीं होगा, या तो यहां पे एक बढ़ेगा एक कम हो जाएगा। तो जो बढ़ेगा उसको देखना है, वो एसेट एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करोगे, और अगर वो कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करोगे। इस तरह से अगर ये बढ़ेंगे तो उनको क्रेडिट करोगे, और अगर कम हो रहा है तो उनको डेबिट करोगे, ठीक है। ट्रेडिशनल में क्या बोल रहा था, रियल पर्सनल नॉमिनल देन उनका रूल। यहां पे मॉडर्न में क्या बोलते हैं, कैपिटल होगा इनकम होगा लाइबिलिटी होगी, और बढ़ेंगे तो क्रेडिट करेंगे, एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो उनको डेबिट करेंगे। ये हमने पढ़ लिया था, अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप नोट्स पे आ जाओ, जो मैंने डबल एंट्री के नोट्स दिए थे तो मैं देखूंगा कुछ मत मैंने छोड़ दिया। डबल एंट्री मैंने बोल दिया था, अकाउंट मैंने बोल दिया था, बेसिक अकाउंट इक्वेशन मैंने बोल दिया, बेसिक रूल मैंने बता दिया, डेबिट और क्रेडिट का मैंने मतलब बोल दिया, ट्रांजेक्शन मैंने बोल दिया, ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने बोल दिया कि टाइप्स ऑफ अकाउंट रियल पर्सनल नॉमिनल हो सकता है, रियल में सारे एसेट्स आ जाएंगे जो टेंजिबल हो सकते हैं या इंटेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिनको हम टच करेंगे, इंटेंजिबल मतलब जिनको हम टच नहीं करेंगे। उसके बाद ये तो चलो हो गया, उसके बाद उनका रूल। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स,
या फर्म्स या कंपनी, जो कंपनी भी होती है या फर्म्स भी होती है उनको भी कोई पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम पर्सनल ही बोलते हैं। अगर कंपनी है तो हम कंपनी को भी ट्रीट करते हैं एज ए पर्सनल। तो या तो वो रियल हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन हो सकते हैं जो बायोलॉजिकल होते हैं, या वो आर्टिफिशियल हो सकते हैं जो लॉ की लैंग्वेज में, लॉ की नजरों में पर्सन माने जाते हैं। कंपनी को एज ए पर्सन माना जाता है, या फर्म जो होते हैं तो वहां पे भी बंदे ही है। तो अगर किसी फर्म पार्टनरशिप फर्म को मैंने पैसे दे दिए तो पार्टनरशिप फर्म विल बी कंसिडर एज ए पर्सन, या कोई कंपनी होगी कंपनी विल बी कंसिडर, अगर कंपनी से डील हो रही है तो कंपनी विल बी कंसिडर एज ए पर्सन। जैसे इसी तरह से जो बैंक है, अगर आप बैंक से डील कर रहे हो तो आपके लिए बैंक एक पर्सन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये मैं आगे समझा दूंगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये अभी आपको उतना समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर होगा तो इतना याद रखा, द अकाउंट्स व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग सम पर्संस आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सपोज अभी आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा द अकाउंट्स व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग सम पर्संस, तो इस तरह से आप बोलोगे डेटर क्रेडिटर भी तो अकाउंट्स आर रिप्रेजेंटेड पर्संस, बट वो मतलब नहीं है क्योंकि वो डेटर का ही अकाउंट है। तो यहां पे मतलब अगर मुझे किसी को सैलरी देनी है तो मेरा अकाउंट जो खुलता है सैलरी आउटस्टैंडिंग खुलता है, तो वो मैं आगे बता दूँ वो क्या है, तो उनको रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स बोलते हैं। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, जो आपके एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है बिजनेस की, तो ये टेंजिबल हो सकते हैं इंटेंजिबल, टेंजिबल विच कैन बी टच्ड, इंटेंजिबल विच कैनॉट बी, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है विच कैनॉट बी टच्ड, दे आर इंटेंजिबल, एंड बिल्डिंग फर्नीचर दे कैन बी टच्ड एंड दे आर रियल अकाउंट्स। उसके बाद हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट्स, द आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट विच कैन बी इनकम एक्सपेंस लॉस एंड गेन, एंड दे आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स। फिर इनके रूल है टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल रूल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, नॉमिनल का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा मॉडर्न अप्रोच, जिसको अकाउंटिंग इक्विटेशन अप्रोच जो हमने अभी पढ़ा था, कि उसने क्या बोला था कि जितने भी अकाउंट्स हो गए उनको हम फाइव कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या तो एसेट होगा, या तो लाइबिलिटी होगा, या तो कैपिटल होगा, या तो एक्सपेंस होगा, या तो रेवेन्यू होगा। तो उनके लिए बेसिक रूल क्या है, अगर एसेट बढ़ गया तो उसको डिक्रीज अगर एसेट बढ़ गया तो उसको डेबिट करेंगे, अगर वो घट रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उनको डेबिट करेंगे, और अगर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो उनको क्रेडिट करेंगे। मतलब एसेट और एक्सपेंस के बारे में एक रूल है, और इसी तरह से लाइबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू के इनकम के बारे में एक रूल है, अगर वो बढ़ रहे हैं तो उनको क्रेडिट करेंगे, अगर वो कम हो रहे हैं तो उनको डेबिट करेंगे, ठीक है। यह हमने पढ़ा था कि जो रूल्स है अकाउंटिंग के डबल एंट्री के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज जर्नल के बारे में। हालांकि जर्नल एंट्री के बारे में तो बोल ही दिया क्या करना है, बट आज हम पढ़ेंगे जर्नल के बारे में कि जर्नल क्या होता है, कहां से आ गया। एक होता है जर्नल एंट्री, क्या होता है जर्नल एंट्री, और दूसरा होता है जर्नल, आज हम इसके बारे में करेंगे और कुछ एग्जांपल्स को ले जाएंगे जहां पे हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी समझेंगे, मॉडर्न अप्रोच से भी कोशिश, और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर के बाद हमें जर्नल एंट्री करना आ जाएगा। मतलब हमें अकाउंटिंग में जो पहला स्टेप है हाउ टू रिकॉर्ड द एंट्री, वो हमें आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे जर्नल क्या है। जर्नल मैंने आपको बोला था, जर्नल आप समझ लो एक डायरी है बिजनेस की, जिसमें आप हिसाब रखते हो, जिसमें आप क्या करते हो सबसे पहले एंट्री करते हो, मतलब ये एक कॉपी है आपकी जहां पे आप सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। तो ये आपकी डायरी है बिजनेस की, जहां पे आप सबसे पहले अकाउंट एंट्री करते हो, ठीक है। बोल रहे जर्नल जो है ना वो निकला है फ्रेंच वर्ड जोर से, जे ओ यू आर, जोर मीन्स डे, ठीक है, मतलब हर दिन का आप हिसाब इसमें रख लेते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। आपके लिए प्रैक्टिकल मतलब क्वेश्चन आ सकता है, जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपको ये भी बोलता है जर्नल को क्या बोलते हैं, जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, क्योंकि ओरिजिनल एंट्री मतलब सबसे पहले जो एंट्री होती है वो जर्नल में होती है, वो जर्नल में होती है, ठीक है। जैसे आपके क्या है, जर्नल है और एक लेजर है, ठीक है, बट जर्नल जो है काइंड ऑफ डे बुक आप समझ लो, तो वहां पे उसको पहली एंट्री वहां पे होती है तो उसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। और यहां पे जो दूसरा चीज होता है जर्नल में, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं यहां पे क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट इसी तरीके से आ सकते हैं। दूसरा, यहां पे जो हम एंट्री करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। क्रोनोलॉजिकल शायद पहले, आज से एक साल पहले अगर हो सकता था, अगर आज से एक साल पहले ये लेक्चर आप देख लेते तो मुझे क्रोनोलॉजी का मतलब समझाना पड़ता था, बट अमित शाह जी ने इतना फेमस कर दिया क्रोनोलॉजिकल वर्ड को, अब क्रोनोलॉजी एक छोटे बच्चे को भी समझ आता है क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ आएगा ना, पहले CA आएगा, उसके बाद NRC आएगा, और फिर जिनको निकालना है उनको निकाल देंगे, ये क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। तो यहां पर क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है, क्या क्रोनोलॉजी मतलब इवेंट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, मतलब अगर डे वाइज डेट वाइज देखेंगे तो डेट वाइज होगा, पहले जो सबसे पहले इवेंट हो जाएगा
इवेंट्स हो जाए उसकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये डे वाइज है ना, तो डे वन में जो एंट्रीज हो जाएगी पहले उनकी एंट्री हो जाएगी। क्रोनोलॉजी में जो चीजें हो जाए, पहले क्या हो गया, पहले सेल होगी तो सेल की एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद उसने तुमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए तो बैंक में पैसे तब हो गए। तो मतलब तुमने सुबह जब दुकान खोली जो जो इवेंट ट्रांजेक्शन पहले हो गई पहले एंट्री उसकी हो जाएगी, इसका मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो जर्नल में जो एंट्री होती है वो किस ऑर्डर में होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहले ये एंट्री ट्रांजेक्शन हो जाएगी तो पहले इसी की अकाउंटिंग हो जाएगी, तो जो भी ट्रांजेक्शन उसकी अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी। तो किस रेशो, क्या शाम तक वेट करेंगे फिर एंट्री करेंगे, नहीं, जब जब ट्रांजेक्शन होगी तब तब उसकी एंट्री हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री होती है, ठीक है। तो ठीक है, जर्नल में हम कर लेते हैं, उसके बाद ट्रांजेक्शन को हम पोस्ट करते हैं कहां पे, लेजर अकाउंट्स में, ठीक है। तो जर्नल के बारे में आपको ये देखना है, एक तो है इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब द ऑर्डर इन विच दे ओकर, द ऑर्डर इन विच दे ओकर। तो क्रोनोलॉजी कभी नहीं भूल जाओगे, अमित शाह को याद कर देना, अगर भूल जाओगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, और जर्नल भी याद आएगा तब। और दूसरा चीज क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं जर्नल को। अब ये जो जर्नल में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री करना, क्या बोलते हैं, तो समझ आया, जर्नल अलग है, जर्नल एंट्री करना अलग है। जर्नल एंट्री हम करते हैं जर्नल में, समझ आई बात, जर्नल एंट्री क्या मतलब, जर्नल एंट्री का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड एट जर्नल एंट्री। और कैसे करेंगे उसके लिए रूल है, ट्रेडिशनल का अपना रूल है और मॉडर्न का अपना रूल है, तुम्हें जो याद रहा उस हिसाब से एंट्री कर देना, और कभी डाउट हो तो क्रॉस चेक कर देना, तो फिर गलती नहीं हो जाए। क्योंकि अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि किस खाते में जाना है और उस खाते के डेबिट साइड में जाना है या क्रेडिट साइड में जाना है, वो अगर आपने ठीक कर दिया तो आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी, आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, और अगर आपने उधर गलती कर दी है तो आपका अकाउंट गलत हो जाएगा, आपकी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। क्या इंपॉर्टेंट है, किस अकाउंट में ट्रांजेक्शन जानी चाहिए, और दूसरा चीज उस अकाउंट के डेबिट साइड में जाना चाहिए या क्रेडिट साइड में जाना, वो हमें हेल्प करेगा कौन, रूल्स, ठीक है। अब इस जर्नल का फॉर्मेट मैं यहां पे बताता हूं, उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा आपके एग्जाम के लिए, बट स्टिल हो सकता है आपको एक क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन द जर्नल, जस्ट अज्यूमिंग दे कैन आस्क एनीथिंग, क्योंकि अभी तो कभी लिया नहीं है उन्होंने इस तरह का एग्जाम, बट ये भी आ सकता है, और पहली बार मैं देख रहा हूँ जेके एसएसबी एक कोई पेपर है जिसमें 30 मार्क्स है अकाउंट के, तो वो आ सकता है, तो तुम्हारे पास आ सकता है कि जर्नल के कितने कॉलम्स हैं, तो अगर मैं ये जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन छूट जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है जर्नल में, सबसे पहले होता है डेट, ठीक है, हम लिखेंगे तो हिसाब भी आ जाएगा, ठीक है, एक होता है डेट, ठीक है, ये ऐसा फॉर्मेट है, ये जर्नल का फॉर्मेट है, ठीक है, ये जर्नल जो बुक है जिसमें हम हिसाब रखते हैं उसका फॉर्मेट इस तरह से होता है, ठीक है, जैसे हमने अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ा था अकाउंट इस तरह होता है, इसी तरीके से जो जर्नल होता है जर्नल का फॉर्मेट इस तरह होता है, यहां पे आता है डेट, यहां पे आता है पर्टिकुलर्स, ठीक है, और यहां पे आता है एक छोटा सा कॉलम जिसको बोलते हैं हम एलएफ, एलएफ का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो, क्या मतलब होता है, लेजर फोलियो, और फिर आते हैं दो कॉलम, एक को बोलते हैं डेबिट और एक को बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। अब गिनो कितने हो गए, सर ये हो गया एक दो तीन चार पांच, तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, एक डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, तीसरा लेजर फोलियो का, चौथा डेबिट का, और पांचवा क्रेडिट का, तो कितने हो गए, पांच, कितने हो गए, पांच, क्या है पांच, एक जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, पांच कॉलम होते हैं, ठीक है। तो जब कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो ये एक चीज मैंने बोल दिया, ठीक है, ये मैंने जर्नल का फॉर्मेट बोला, हाँ सर जर्नल का फॉर्मेट हमें समझ आ गया, जर्नल के फॉर्मेट में क्या हो गए, पांच कॉलम हो गए, पहला कॉलम डेट का होगा, किस दिन वो ट्रांजेक्शन होगी, तो वो यहां पर डेट आएगा, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर, ये मैं अभी बता दूंगा इसमें क्या आएगा, इसमें बोलेंगे ऑब्वियसली उन अकाउंट्स का बोलेंगे, और दूसरा चीज है लेजर फोलियो, ये भी मैं अभी बताऊंगा क्या है, और फिर डेबिट कितने से हो रहा है और क्रेडिट कितने से हो रहा है, और ये जो डेबिट और क्रेडिट होता है ये हम अमाउंट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अमाउंट, और हम इंडिया में है, हमारे में
जो रिपोर्टिंग करेंसी इसको बोलते हैं कि किस अकाउंट में एंट्री होती है, किस करेंसी में अकाउंटिंग होती है, उसको रिपोर्टिंग करेंसी बोलती है। द करेंसी इन विच यू आर रिपोर्टिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिपोर्टिंग करेंसी। हमारे में रुपी है जो हमारी करेंसी है, ठीक है। और ये भी क्रेडिट भी अमाउंट में होता है, ठीक है। तो रुपीज या ऐसे बोलो, रुपीज या ऐसे बोलो, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो तुम्हें जर्नल एंट्री कैसे करनी है। ये तो हो गया जर्नल का फॉर्मेट, और हमें क्या करना है इसमें, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने को हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। टू डू द जर्नल एंट्री इट्स कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। तो इस तरीके से क्या कंप्लीट हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारे जो टॉपिक था जेके एसएसबी में, तुम्हारा जो टॉपिक था उसमें आपका था डबल एंट्री, वो मैंने पहले लेक्चर में कर दिया इसके जर्नल में। फिर तुम्हारा क्या था, जर्नल के बारे में वो डिस्कस हो गया, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग वो हमारा डिस्कस हो गया, ठीक है। और जर्नलाइजिंग एक और चीज था। तो सारी चीजें आज के टॉपिक के साथ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर तुम्हें अब सीखना है कि ये जर्नलाइजिंग कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं चार स्टेप्स है टोटल। कितने? चार स्टेप्स में आपको जर्नल करने हैं। मैं यहां पर लिखूंगा, हालांकि इसमें नहीं लिखना हो तो ये मैं अभी इसलिए लिख रहा हूं, फॉर्मेट को मैं नहीं रब कर रहा हूं, तो इसमें पर्टिकुलर में नहीं लिखना है, इट जस्ट मतलब आई एम जस्ट यूजिंग इट एज अ रफ। तो जब भी तुम्हें जर्नल एंट्री करनी है, चार स्टेप्स में जर्नल एंट्री करनी है। क्या स्टेप्स करनी है? चार स्टेप्स में। बहुत आसान है। इस 5 मिनट के लिए ना अपना दिमाग खोल के रखो, पूरा खोल के रखो। सिर्फ ये चार स्टेप्स अगर तुम्हें अच्छे से ग्रिप आ गई तो तुम्हें जर्नल एंट्री करनी आ जाएगी। अभी तक जो मैंने कर दिया उसको साइडलाइन कर दो, बस इन चार स्टेप्स को तुम फोकस करो, ठीक है। आई एज्यूम कि आप सब अटेंटिव हो, बहुत अटेंटिव तरीके से रहना है आपने, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बोलने जा रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोगों ने क्या करना है, इन चार स्टेप्स को अच्छे से अपने दिमाग में जाने देना है। इन चार स्टेप्स को तुमने अपने बाय हार्ट से याद करना है। ये चार स्टेप्स तुमने करने हैं, बस तुम्हें जर्नल एंट्री करने आ जाएगी। स्टेप नंबर वन इन डूइंग द जर्नल एंट्री, जब भी तुम किसी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री करनी है, सबसे पहले क्या देखना है तुम्हें, सबसे पहले देखना है कि उस ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि लूशा पकोली ने जो डबल एंट्री का कंसेप्ट दिया था कि एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज टू अकाउंट्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें? अच्छा, मैं यहां पे इस चीज को रब कर रहा हूं, मैं इसको जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तब इसको बढ़ाऊंगा वापस, बट अभी मैं चाहता हूं ना थोड़ा सा बड़ा लिख लूंगा। तो स्टेप नंबर वन, फिर इनको लाइन ही खींचनी है। स्टेप नंबर वन व्हेन डूइंग द जर्नल क्या है, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। अकाउंट्स हमें पता ना, पढ़ लिया ना क्या है, उन सबको आइडेंटिफाई करो विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पे, और इस एग्जाम्पल के जरिए हम इसको, इन चारों स्टेप्स को पहले समझेंगे फिर एक साथ समराइज कर देंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक बंदे ने स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 5 लाख। अगर ये एक ट्रांजेक्शन होगी, हाँ सर ये एक ट्रांजेक्शन होगी, जब भी एक बंदे ने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा दिया तो हम बोलेंगे बिजनेस में एक ट्रांजेक्शन होगी, मालिक ने 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाए। अब तुम्हें इसकी, अब तुम अकाउंटेंट हो, तुम्हें इसकी जर्नल एंट्री करनी है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या देखोगे, विच आर द अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजेक्शन, एटलीस्ट देयर विल बी टू अकाउंट्स विच विल बी इन्वॉल्व, सो वी विल जस्ट हैव टू रन द स्कैनर। जब अभी बहुत चल रहा है ना इंफ्रारेड का या बायोमेट्रिक का चल रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, ऐसे स्कैन करना। अब इसमें हम स्कैनर चलाते हैं, क्या करते हैं, मेरे पास वो है नहीं, तो अज्यूम करो मेरे हाथ में वो स्कैनर है, तो मैं स्कैन कर रहा हूं, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं इसमें कौन से वो दो ट्रांजेक्शन, दो अकाउंट्स है जो इन्वॉल्व हो गए। सबसे पहला स्टेप तुम्हें जर्नल एंट्री में क्या करना है, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन।
हमें समझ आ रहा है सर, एक अकाउंट तो कैश मुझे नजर आ रहा है, सर कैश इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ बेटा कैश इन्वॉल्व हो रहा है, कैश इन्वॉल्व हो रहा है कितना, अगर मैं इस ऊपर वाली ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ सर, कैश 5 लाख है। और सर ये पैसा लगाया है किसने लगाया, ये कैश किसने दिया, सर ये मालिक ने पैसा दे दिया। मालिक जो पैसा बिजनेस में देगा उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अमाउंट को साइड में करूंगा, सर हमने पहला काम तो कर दिया, पहला काम हमने कर दिया सर, वो अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहे, एक तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा कैपिटल इन्वॉल्व हो रहा है। समझ आई बात? हाँ सर, ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, किसी भी ट्रांजेक्शन में वो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो तुमने बोला कैश आया, किसने दिया, मालिक ने दिया, तो दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व, या तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा और मालिक का अकाउंट, मालिक के अकाउंट को क्या बोलते हैं, कैपिटल। सर हाँ यहां तो समझ आ गया, दो अकाउंट तो हमने आइडेंटिफाई करने हैं, बस यही दो अकाउंट है, कैश 5 लाख आया और किसने दिया, मालिक ने दिया 5 लाख। सर ये तो आइडिया हो गया, अकाउंट्स विच कैन बी एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्मली 2 ही रख लो आप, 3-4 भी हो सकता है। आइडेंटिफाई द अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, हाँ सर इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व हो। अब स्टेप नंबर टू में क्या करना है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दीज अकाउंट्स, आइडेंटिफाई या एसर्टेन बोलो, मैं आइडेंटिफाई वर्ड यूज कर रहा हूं, द नेचर ऑफ दीज अकाउंट्स। यहां पे मैंने वर्ड क्या यूज किया, नेचर, नेचर मतलब जो तुमने क्लासिफिकेशन कर दी थी अभी, अगर तुम ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हो, अगर तुम ट्रेडिशनल अकाउंट से अप्रोच से आइडेंटिफाई करते हो तो वो या तो पर्सनल हो सकता है, या तो रियल हो सकता है, या तो नॉमिनल होता है। तो अब तुम्हें देखना है, सबसे पहले तुमने अकाउंट को आइडेंटिफाई कर दिया, हाँ सर आइडेंटिफाई अकाउंट है, फिर तुम इनका नेचर देखोगे, नेचर क्या होगा, सर एक तो कैश है और कैपिटल है। सर कैश का अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से देखेंगे, कैश इज एन एसेट, सर ये रियल है, ये रियल है, तो इसका नेचर क्या है, रियल है। और कैपिटल, कैपिटल इज पर्सनल, मालिक का पैसा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, सो ये पर्सनल हो गया। सर दूसरा चीज भी हमने कर दिया, पहले स्टेप में तुमने आइडेंटिफाई कर दिया अकाउंट्स को, हाँ सर, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, उनका नेचर आइडेंटिफाई कर दिया या उनका नेचर एसर्टेन कर दिया। हमने देखा कैश है, कैश इज अ रियल अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, और कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। तुम ट्रेडिशनल की जगह मॉडर्न भी कर सकते हो, मैं अभी उस पर भी आ जाऊंगा, बट अभी मैं सपोज ट्रेडिशनल पे कर रहा हूं, ये चीज हो गया। तीसरा क्या करना है तुम्हें, स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 का क्या करना है तुम्हें, रिकॉल द गोल्डन रूल ऑफ दीज अकाउंट्स। अब तुम्हें रूल करना है याद, रियल का क्या रूल है, पर्सनल का क्या रूल है, यही दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इन्हीं दो का रूल याद करना है, नॉमिनल का रूल याद नहीं करना है। तो रूल क्या है यहां पे, अगर मैं स्टेप नंबर 3 में देखूंगा, रूल है रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल क्या है, सर पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ आई बात? तो पहले स्टेप में हमने क्या कर दिया, स्टेप नंबर 1 है, हमने आइडेंटिफाई कर दिया कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश और कैपिटल। फिर हमने क्या किया, इनका नेचर देखा, ट्रेडिशनल अप्रोच से अभी हम कर रहे हैं, तो सर कैश, ये जो 4 स्टेप्स है ये ट्रेडिशनल में भी कॉमन है, मॉडर्न में भी कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अभी ट्रेडिशनल से ले रहा हूं। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है, नेचर ऑफ दिस अकाउंट देखना है, तो कैश मैंने बोला रियल अकाउंट है, कैपिटल मैंने बोला ये पर्सनल अकाउंट है। फिर क्या किया, मैंने इनका रूल रिकॉल कर दिया, रियल अकाउंट के रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और कैपिटल इज पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो स्टेप नंबर 4, ये 1, 2, 3, 4, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में लिख लूंगा, फाइंड आउट विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट
इज टू बी क्रेडिटेड, या मैं बोलूंगा स्टेप नंबर फोर इज डू द जर्नल एंट्री। स्टेप नंबर फोर में जर्नल एंट्री करनी है, किस बेस पे? यहां तक समझ आया? अब स्टेप नंबर फोर में क्या देखना है तुम्हें, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो उसके लिए क्या देखना है तुम्हें, कैश का रूल, कैश किस में आ रहा है, रियल में। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब तुम देखोगे कैश को, कैश को देखोगे बिजनेस के कंटेक्स्ट से, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग हम किसी करते हैं, सर हमने बिजनेस एंटिटी कंसल्ट बोला था, बिजनेस अलग है, बिजनेस में अलग है, तो हम एंट्री अकाउंटिंग एंट्री करते हैं बिजनेस की बुक्स में। तो बिजनेस के परस्पेक्टिव से तुमने देखना है, बिजनेस में ये जो कैश है रूल क्या बोल रहा है, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको डेबिट करो जो आएगा और उसको क्रेडिट करो जो जाएगा। कैश आया कि कैश गया, सर बिजनेस में तो कैश आया, जो बिजनेस का गलथान या बोलो या कैश काउंटर बोलो, उसमें 5 लाख रुपया आ गए। तो बिजनेस में हम देख रहे हैं दरवाजे से 5 लाख रुपया अंदर आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ सर कैश आ रहा है। तो रूल क्या लगेगा, डेबिट वर्ड कमर्स इन। सर हमें यह समझ आ गया कि कैश को हमें डेबिट करना है, कैश को हमें डेबिट करना है, ये हमने स्टेप नंबर फोर में कर दिया। क्यों सर, डेबिट वर्ड कमर्स इन बोल रहा था और कैश हमारे यहाँ होता है। इसी तरह से कैपिटल के साथ पर्सनल का रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम बोलेंगे कैश किसने दिया, सर ये मालिक ने दिया, तो मालिक पर्सन है, उसने दे दिया, तो उसको डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। अगर वो लेता है हमसे तो उसको डेबिट करते, अगर वो दे रहा है, ही इज गिविंग 5 लाख ना, ही इज गिविंग 5 लाख टू द बिजनेस, सो ही इज गिविंग, क्रेडिट द गिवर, तो उसको सर हम क्रेडिट करेंगे, तो कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो हमारे लिए रूल निकला है कैश को डेबिट करो, कैपिटल को क्रेडिट करो। ये समझ आया? हाँ सर। तो 4 स्टेप में ये चीज होता है। पहले नंबर, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं सर, हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से 2 ट्रांजैक्शन से जो, कौन से 2 अकाउंट से जो इन्वॉल्व हो गए। सेकंड स्टेप नंबर 2, उन 2 अकाउंट्स का रूल क्या है, मतलब उन 2 अकाउंट्स का नेचर क्या है, वो रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल क्या है, वो आइडेंटिफाई। स्टेप नंबर 3, उनके रूल्स क्या है, रियल का रूल क्या है, पर्सनल का रूल है। स्टेप नंबर 4 में देखो डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, रूल लगा के देखना है वो चीज आई है या गई है, अगर रियल के कॉन्टेक्स्ट में, और पर्सनल के रूल में वो बंदा दिया है कि लिया है, वो दिया है, ही इज अ गिवर, तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमें क्रक्स आया, कैश को डेबिट करते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो अब हम देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं और कैसे इसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो यह हमें समझ आया, हमें समझ आया सर कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। हाँ सर, ये तो हमें समझ आ गया, कैश को डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। अब देखो हम इसको कैसे करना है, तो अब मैं यहां पर थोड़ा इसको बढ़ा लेता हूं, ठीक है। डेट, सपोज 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन होगी, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2020 1 अप्रैल। क्या हुआ सर, 2 ट्रांजेक्शन है, एक कैश है, तो मैं कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को क्या करना है सर, कैश अकाउंट को डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट और यहां पर लिखते हैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू लिखना है। क्या लिखना है, कैपिटल जिसको क्रेडिट करते हैं, जिसको क्रेडिट करते हैं उसके साथ हम क्रेडिट नहीं लिखते हैं, ये फॉर्मेट है, ठीक है, इसको मैं आगे बोल दूंगा अगर जरूरत पड़ी, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, अभी हमें आएगा कैश अकाउंट को डेबिट करना है 5 लाख और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इधर देखो कैश मैंने यहां पे स्टार्ट कर दिया और यहां पे थोड़ा मैंने स्पेस छोड़ा, फिर लिखा टू कैपिटल अकाउंट। टू मींस क्रेडिट, आप ऐसे याद रखो, टू का मतलब क्रेडिट होता है, बट हम नहीं लिखते, तो थोड़ा सा ब्यूटीफुल वे में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेजर फोलियो में अभी छोड़ रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, मतलब कैश कैश में लिखना है 5 लाख डेबिट और कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट, तो कैपिटल में करना है 5 लाख क्रेडिट। फिर हम क्या करते हैं, एक छोटी सी नरेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, छोटी सी नरेशन लिखते हैं, ये तुम्हें एग्जाम में जरूरत नहीं है, तो इसको नरेशन बोलते हैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। इसका मतलब क्या है, फिर इधर एक लाइन डालते हैं, हम क्या करते हैं, फिर इधर एक हम लाइन डालते हैं, इस तरीके से हम एक जर्नल एंट्री करते हैं, इस तरीके से हम एक जर्नल एंट्री करते हैं। तो क्या किया मैंने, डेट डाल दिया, फिर मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक।
क्योंकि वही हो रहा था, कैश को डेबिट करना था कैपिटल अकाउंट को, कैश अकाउंट को डेबिट करना है तो कैश का डेबिट साइड में मैंने 5 लाख रखा, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है तो क्रेडिट साइड में 5 लाख। तो तुमने देखा जितना डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट हो रहा है, तो इस तरीके से लिख रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आ गई, सर लेजर फोलियो क्या है? तुम्हें पता है कैश का एक अकाउंट होगा? हाँ सर, कैश का अकाउंट होगा वो कहां पे होगा? सर वो लेजर में होगा। कैश का एक अकाउंट होगा, मेरे पास दो अकाउंट्स होंगे, एक मेरा कैश अकाउंट होगा और मेरे पास एक कैपिटल अकाउंट होगा। तो जो लेजर होगा मेरा, जो लेजर होगा, लेजर में क्या होगा? सबसे पहले पहले शीट पे इंडेक्स होगा। क्या होगा लेजर में? सबसे पहले इंडेक्स होगा। तो वहां पर लिखा होगा कैश अकाउंट जो है वो पेज नंबर 2 पर है, पेज नंबर 2 पर है, और कैपिटल अकाउंट जो है वो पेज नंबर 8 पर है। कैपिटल अकाउंट जो है वो पेज नंबर 8, मतलब लेजर एक पूरा बुक है, उसमें पहले पेज पर है सपोज कैश अकाउंट, पहले पेज में इंडेक्स है, पेज नंबर 2 से क्या है कैश अकाउंट है। तो हमें अज्यूम लगा था इसके लिए 7 पेज छोड़ने हैं हमें पूरे साल के लिए, या जो भी हो। तो फिर कैपिटल अकाउंट 8वें पेज पर है, इसी तरह से फर्नीचर 12वें नंबर पे हो सकता है, और एक्सपेंस कोई किसी और नंबर पर होता है। तो हर किसी का अपना अपना इंडेक्स होता है, हम बनाते हैं ना कॉपी फिर लिखते हैं, या हमारे पास बुक होती है तो उसमें पहले इंडेक्स लिखा होता है, तो ये चैप्टर इस पेज नंबर पर है, ये चैप्टर इस पेज नंबर पर, तो वही ये अकाउंट इस पेज नंबर पर, ये अकाउंट पर। तो यहाँ पे हम बोलते हैं लेजर फोलियो, यहाँ पे आएगा कैश लेजर में कौन से नंबर पर है? लेजर में 2nd नंबर फोलियो पर है, और इसी तरह से कैपिटल किस नंबर पे है? 8 नंबर पर है। मतलब इस जर्नल के बाद अगर तुम्हें देखना है कहां पे इसका इंपैक्ट आया है, ये तुम्हें लेजर में लेना है पेज नंबर 2 पे, क्योंकि अब शाम को क्या करेगा, यहां पे 10 दिन में 10 ट्रांजैक्शन हो जाएगी, इसी तरह से यहां पे 10 जर्नल एंट्री हो जाएगी, 10 एंट्री हो जाएगी। तो फिर ये शाम को क्या करेगा, इसको अपना काम आसान करना है, तो शाम को चुपचाप करके क्या करेगा, लेजर का पेज नंबर 2 खोलेगा, वहां पे कैश में डेबिट साइड में 5 लाख रुपया डालेगा टू कैपिटल करके, जिसको हम लेजर अकाउंट बोलते हैं। शाम को ये चीज करेगा, ये दिन में करेगा पूरा, फिर शाम को उठा के क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट, तो किस में डालना है, पेज नंबर 2 में डालना है। तो चुपचाप करके लेजर जल्दी जल्दी खोलेगा, कैश अकाउंट वहां पे मिलेगा, तो कैश अकाउंट को करेगा डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। इसी तरह से फिर क्या है, कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी, क्योंकि दोनों जगह पे पोस्टिंग करनी है डबल एंट्री के अंदर पे। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 5 लाख, तो यहां पे बोलेगा क्रेडिट करना है बाय किसी वजह से, कैश की वजह से 5 लाख रुपया। इस तरह हम आगे करेंगे लेजर पोस्टिंग। तो बट ये लेजर फोलियो का मुझे यहाँ पे मतलब बोलना था कि लेजर में कौन से पेज नंबर पे ये एंट्री करनी है, किस कौन से पेज नंबर पे तुम्हें ये एंट्री मिल जाएगी। इसी तरीके से सपोज एक पेज खत्म हो गया, अब दूसरा पेज होगा लेजर का, तो वो नंबर आएगा इसका, तो उस पेज नंबर पे तुम्हें वो एंट्री मिल जाएगी। तो लेजर फोलियो तुम्हें समझ आएगा कि लेजर के कौन से पेज पे ये एंट्री हो जाएगी। तो ये तुम उसी वक्त भी लिख सकते हो, या बाद में जब तुमने एंट्री कर दी वहां पे, फिर तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि कौन से पेज पे तुमने ये एंट्री कर दी, या तो अभी लिखोगे, अगर नहीं तो ये नॉर्मली हम बाद में लिखते हैं, फिर जब हम शाम को कैश में एंट्री करते हैं, तो शाम को जब कैश में एंट्री करते हैं फिर हम देखते हैं कि कौन से, ये सपोज मैंने थोड़ा सा ये गलत बोला, हालांकि मैंने समझाने के लिए कोशिश की थी, मैंने बोला था ये इंडेक्स होता है, बट अभी क्या था कि सपोज कैश जो तुम्हारा पेज नंबर 2 पर है और 2 से लेके ये 7-8 तक है, तो एंट्री सपोज 7वें पेज पर हो जाएगी, तो हम इधर 7वां पेज लिखेंगे, तो ये हम बाद में लिखते हैं, ये हम बाद में लिखते हैं जब वहां पे पोस्टिंग कर दी, ताकि बाद में इफेक्ट आ जाए कहां पे हो गया, तो वहां पे भी हम बोलते हैं जर्नल फोलियो। जैसे इधर बोलते हैं कैश लेजर फोलियो, वहां पे जर्नल फोलियो की जर्नल में कहां से एंट्री आएगी, ताकि पूरा ट्रेल रहे आएगा कहां से। समझ आया लेजर फोलियो? लेजर फोलियो का मतलब ये है कि लेजर में तुम्हारा ये कहां पे, कौन से पेज नंबर पे एंट्री हो जाएगी। तो कैश अकाउंट में ये मतलब जो लेजर का पेज नंबर 2 है वहां पे एंट्री हो जाए, तो कैपिटल में पेज नंबर 8 पे एंट्री हो गई है। तो इसको फिर लास्ट में एक नरेशन लिखते हैं, बीज बिजनेस बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन्वेस्ट। तो ये इस तरह से एक जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, कॉलम 1 डेट का होता है, फिर पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट। तो एंट्री कैसे करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश को डेबिट 5 लाख, कैपिटल को क्रेडिट 5 लाख, और फिर जब पोस्टिंग होती है, ये पोस्टिंग अलग है, लेजर जो हमें आगे करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से हमें सब एंट्रीज करनी है। तो ये हमने कर दिया ट्रेडिशनल अप्रोच से, अब इसी चीज को मॉडर्न अप्रोच से अगर देखेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले पॉइंट सेम रहेगा, आइडेंटिफाई द 2 अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड, सो द 2 अकाउंट्स नोन लाइक कैश एंड कैपिटल, आइडेंटिफाई द नेचर, बट नाउ वी विल बी डूइंग फॉर द मॉडर्न अप्रोच। व्हेन मॉडर्न अप्रोच इज बीन रिकॉर्ड द रूल फॉर दिस दैट द कैश फॉल्स इन द एसेट्स एंड द कैपिटल फॉल्स इन द कैपिटल इटसेल्फ, ठीक है। तो कैश इज एन एसेट, और फिर द रूल इज इफ द एसेट इज इंक्रीज वी हैव टू डेबिट, एंड इफ द एसेट इज डिक्रीज वी हैव टू क्रेडिट। सिंस हियर इट इज हियर इन दिस केस द एसेट इज इंक्रीज, नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी कैश, नाउ वी आर हैविंग 5 लाख कैश, तो एसेट कैश, द कैश एसेट इज इंक्रीज
increased by 5 lakh, so we will have to debit the cash. And second thing is, capital is also increasing by 5 lakh. There was no capital in the business, now 5 lakh has been introduced by the owner. There is an increase of 5 lakh in the capital, so the capital account will be credited. So now the rule in the accounting will be, cash will be debited and the capital will be credited. This is how we do it by modern approach. क्या करते हैं? पहला स्टेप दोनों में कॉमन है, दूसरे स्टेप में नेचर दिख रहे हैं, तो वहां पे पर्सनल रियल और नॉमिनल आएगा, यहाँ पे या तो कैपिटल होगा, एसेट होगा, एक्सपेंस होगा, लायबिलिटी होगा, इनकम होगा. तो फिर रूल उसका वहां पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड कमिंग, क्रेडिट वर्ड गोज, डेबिट ऑल एक्सपेंस ऑन क्रेडिट. यहां पे वो नहीं होगा, एसेट एक्सपेंस होगा बढ़ेगा तो डेबिट, अदरवाइज क्रेडिट. कैपिटल इनकम और लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, अदरवाइज डेबिट. तो उसको रोल करके देखना है कि उनसे अकाउंट को डेबिट करना है, उसको क्रेडिट, उसके बाद फिर जर्नल में खोल के जर्नल एंट्री कर लेनी है. कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट. ये एक तरीका है जिस तरह से हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं. ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनका नेचर देखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी, मॉडर्न अप्रोच से भी, और फिर जर्नल एंट्री करने की कोशिश करेंगे. उस तरीके से हमारा ये जर्नल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, अब जो मैंने तुम्हें नोट्स दे दिए हैं, मैंने भी कोशिश की है इनका प्रिंट आउट ले लूं, आप भी कोशिश कर लेना, प्रिंट आउट लेना अगर आप उतने इंटरेस्टेड हो समझने में, और अगर आपको दिक्कत आ रही है देखने में नोट्स और इनको साइमल्टेनियसली. अगर दिक्कत नहीं आ रही है देन इट्स फाइन, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, कॉपी पे पहले ये एग्जांपल लिख लो, इतना ही करना है, इसको एग्जांपल को लिख लेना है खाली तुम्हें, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये एग्जांपल को जब तुमने लिख लिया फिर जाके वीडियो को देख लो. ठीक है, अगर तुम प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो अभी ये 5 एग्जांपल्स है जिनके बेस पर हम करेंगे, आप इनको लिख लो, उसके बाद हम करेंगे. अब मैं जब एंट्री करूंगा, मैं करूंगा कैश कॉन्ट्रीब्यूटरी कैपिटल अकाउंट, बट मुझे इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट तुम अपने एंड पे विजुअलाइज कर देना कि मैं एंट्री ऐसे कर रहा हूँ, डेट ये सब कुछ कर रहा हूँ, बट अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा बोर्ड चाहिए, तो इसलिए मैं बाकी सब चीजों को रब कर रहा हूँ. ठीक है, एग्जाम्पल जो मैंने दे दिया है उसमें 5 चीजें हैं, तो मैं सारों को साथ साथ में करूंगा, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी और मॉडर्न अप्रोच से भी. ठीक है, अच्छा इससे पहले ना तुम पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर दूसरी जो इसके बाद है उस पे आ जाओ, जो उसके बाद वाली इलस्ट्रेशन है, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स, पहले हम इन पे फोकस करेंगे. ठीक है, शो द क्लास में फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोल तो मॉडर्न अप्रोच. तो तुम्हें पहले क्लास पे करना आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें क्लास पे करना आ जाएगा अकाउंट का, फिर आसान है अकाउंट एंट्री का. सबसे पहले बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के बारे में तुम्हें बोलना है ट्रेडिशनल में भी और मॉडर्न में भी, कि बिल्डिंग का क्या होगा. बिल्डिंग कहां पर पड़ेगा ट्रेडिशनल में, बिल्डिंग क्या है तुम्हारा. सर बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग हमारा एसेट है. तो ट्रेडिशनल में क्या आएगा, ये ट्रेडिशनल में क्या हो सकता है, या तो पर्सनल हो सकता है. तो ट्रेडिशनल में क्या होगा, या तो पर्सनल होगा, या तो रियल होगा, या तो नॉमिनल होगा. इसी तरह से मॉडर्न में क्या होगा, या तो कैपिटल होगा, या तो इनकम होगा, या तो एक्सपेंस होगा, या तो एसेट होगा, या तो लायबिलिटी होगा. ठीक है, यही 5 हो सकते हैं, और यहाँ पे या तो पर्सनल हो सकता है, या तो रियल हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है. अब तुम्हें इनका नेचर बोलना है, तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग इज या रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव. इस तरह से कोई हमारा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें ये इलस्ट्रेशन रखी है ताकि तुम्हें उस पे होल्ड आ जाए. बिल्डिंग क्या आएगा, आप सर बिल्डिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, इट इज द एसेट ऑफ द बिजनेस. तो एसेट्स के लिए हमारा, प्रॉपर्टीज के लिए हमारे लिए रियल अकाउंट है, तो इसका नेचर आएगा बिल्डिंग हमारा रियल है. और मॉडर्न में क्या है, बिल्डिंग एसेट है, तो एसेट है, तो बिल्डिंग एसेट में आ जाएगा. ठीक है, तो फिर वो अपना अपना रूल लगेगा. दूसरा चीज क्या है, परचेजेस. ठीक है, परचेजेस है, और इस तीसरा चीज मैंने सेल्स लिखा है. मैं ये सारे लिख रहा हूं यहां पे, फिर सबको डिस्कस करेंगे. बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट, इन सबको मैं डिस्कस करूंगा. यहां पे कुछ टिपिकल चीजें आ जाएंगी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है यहां पे. उसके बाद क्या है तुम्हारा, रेंट, उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग. ये जरूर देख लो प्लीज, जो कोई ये देख रहा है इसको स्किप मत करो, हर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बिल्डिंग कर दिया, बिल्डिंग बहुत सिंपल था, तो पहले मैं सिंपल लेता हूं यहां पे, फिर जो कॉम्प्लिकेटेड है उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है,
ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इलस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया था वो मैं डिस्कस करूंगा। तो उसके बाद कैश मैंने लिया है, उसके बाद जो बाकी है उनको मैं अभी ले जाऊंगा। पहले कैश को देखो, कैश क्या है? सर कैश रियल है और यहां पे कैश एसेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यह हमें समझ आ गया। उसके बाद रेंट, रेंट क्या है? रेंट अगर तुमने दुकान की रेंट पे कर दी, रेंट क्या है? सर रेंट खर्चा है हमारा, रेंट इज एक्सपेंस ना, रेंट इज एक्सपेंस। तो यहां पे क्या आएगा? नॉमिनल, नॉमिनल क्या आता है? इनकम और एक्सपेंस आता है, ठीक है, ये नॉमिनल नहीं चलते। सर रेंट हमारा एक्सपेंस है, और यहां पे भी क्या है? एक्सपेंस के लिए अलग है, सॉरी ये एक्सपेंस है, तो यहां पे एक्सपेंस आएगा और यहां पे रेंट नेचर नॉमिनल आएगा, ठीक है। हाँ सर आ गया। तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, सपोज फर्नीचर है, ताकि थोड़ा सा ना ग्रिप आ जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत इंपॉर्टेंट समझाना है। फर्नीचर क्या आएगा? सर फर्नीचर तो मेरा प्रॉपर्टी है, सर फर्नीचर रियल है, और यहां पे मेरा फर्नीचर मॉडल में एसेट में आएगा, तो एसेट आएगा। अब देखो परचेजेस और सेल्स, परचेजेस और सेल्स, परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज का मतलब क्या होता है? जो गुड्स तुम परचेज कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इन द बिजनेस, इज नोन एज परचेज। और सेल्स, जब तुम उन गुड्स को बेच देते हो तो उनको बोलते हैं सेल्स। अब तुमने परचेज कर दी सपोज 2 लाख की, और तुम्हारी सेल्स 3 लाख की हो गई, तो मैं बोल रहा हूं ये परचेज का क्या नेचर है, ट्रेडिशनल में भी और मॉडर्न में भी। परचेज क्या है? तुमने क्या कर दिया? तुमने गुड्स को परचेज कर दिया, तुमने गुड्स को परचेज कर दिया। अगर तुम उस एंगल से देखोगे, अगर तुम उस एंगल से देखोगे कि गुड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डेप्थ में, तो यहां पे भी आपको थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा। तो यहां पे परचेज को देखने के दो नजरिए है, परचेज को देखने के दो नजरिए है, तो दोनों ठीक है। एक नजरिया है, एक नजरिया है कि परचेज में क्या है? गुड्स आ रहे हैं। परचेज में क्या है? गुड्स आ रहे हैं ना हमारे पास, तो वो जो गुड्स है, दीज आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। गुड्स क्या है? दे आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई इट, विजुअलाइज इट? हाँ सर, जब हम माल खरीद रहे हैं तो हम बेसिकली गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद पहले कैश था, कैश चेंज हो गया, अब गुड्स आ गया हमारे पास, तो गुड्स हमारे एसेट्स है, तो हम बोल सकते हैं उस हिसाब से सर परचेज जो है, जब गुड्स हमारे पास आ रहे हैं तो वो रियल अकाउंट है। क्या है? रियल। और सेल्स में भी क्या इन्वॉल्व है? सेल्स में भी गुड्स इन्वॉल्व है, बस परचेज में यह है कि हम गुड्स को खरीद रहे हैं और सेल्स में हम गुड्स को बेच रहे हैं, यही है ना। तो गुड्स का ही हो रहा है, परचेज में भी गुड्स इन्वॉल्व है, सेल्स में भी गुड्स इन्वॉल्व है। और परचेज में क्या होता है? ये गुड्स हमारे दुकान में आते हैं तो हमारा एसेट आता है, और सेल्स में क्या होता है? ये गुड्स हमारे दुकान से चले जाते हैं, इसके बदले में हमें या तो कैश मिलता है या तो हमारा डेटर होता है। तो उस एंगल से अगर हम देखेंगे, हम बोलेंगे गुड्स क्या है हमारे पास? रियल अकाउंट से, तो ये आएगा रियल और सेल भी आएगा रियल। किस लॉजिक से? कि इसमें गुड्स इन्वॉल्व है, गुड्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, तो उनको हम बोलते हैं वो रियल में आएंगे, ठीक है। ये एक तरीका है देखने का इसका, ये एक तरीका है देखने का इसका। बट इससे अच्छा तरीका या इससे अच्छा लॉजिक जो मुझे लगा है वो ये नजरिया नहीं है, वो ये नजरिया नहीं है कि परचेज में गुड्स इन्वॉल्व होते हैं और गुड हमारा प्रॉपर्टी है और उसको एक रियल मानेंगे। उस हिसाब से भी आंसर ठीक आएगा। उस हिसाब से कैसे ठीक आएगा? अगर मैंने परचेज कर दी तो गुड्स मेरे पास आ गए, तो हम बोलूंगा इन्वॉल्व कौन से अकाउंट है? एक गुड्स है और दूसरा कैश। अगर तुमने कैश दे दिया, तुम बोलोगे गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम इन, गुड्स आ गए तो डेबिट करोगे और कैश जाएगा तो कैश करोगे। बट हम फिर बोलते हैं गुड्स अगर तुम परचेज करते हो, हम उसको गुड्स नहीं बोलते, हम उसको परचेजेस बोलते हैं। गुड्स जब तुम बिजनेस में परचेज करते हो तो उसको हम परचेजेस बोलते हैं। तो तुम बोलोगे परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है और कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट फिर बोलोगे तुम्हारा रियल है क्योंकि इसमें गुड्स है, गुड्स आर द प्रॉपर्टीज, तो अगर वो आ गया तो डेबिट करोगे, तुम एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एक नजरिया है, वन स्कूल ऑफ थॉट हर किसी चीज में होते, चाहे रिलीजन हो या अदर देन कोई भी साइंस हो, आर्ट हो, हर किसी में स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं जिनके अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है।
तो कोई गलत नहीं होता, बस देखने का नजरिया अपना अपना होता है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो उसको इस एंगल से देखता है कि इसमें गुड्स इन्वॉल्व है और रियल है, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है जिनके साथ मैं भी एग्री करता हूँ, और उनका थॉट है कि नहीं भाई, परचेज और सेल्स दे आर लाइक, परचेज इज द एक्सपेंस एंड सेल इज द रेवेन्यू। परचेज जब तुम कर रहे हो, तुम खर्चा कर रहे हो, तुम खर्चा कर रहे हो, परचेज तुम खर्चा कर रहे हो, और ये क्या बनेगा तुम्हारा, एक्सपेंस बनेगा, और ये नॉमिनल बनेगा। क्या बनेगा, ये नॉमिनल है। इसी तरीके से जब तुम सेल करोगे, ये तुम्हारा रेवेन्यू है। सेल क्या है तुम्हारा, सर सेल हमारा रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू नॉमिनल है। या ऐसा जब याद करो, जब हमने बोला था कि नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, तो हमने बोला नॉमिनल होते हैं इनकम एक्सपेंसेस द आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स को अगर मैं बोलूंगा क्रक्स में क्या है, द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स। अब मुझे बताओ, परचेज और सेल, तुमने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, वो बैलेंस शीट में जाएगा? नहीं सर, वो पीएनएल में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में जाएगा। परचेज कितना, सेल कितना किया, उसमें से लेस करूंगा परचेज कितना आया, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। उसमें से खर्चे लेस करूंगा, मुझे नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो परचेज और सेल जो है, परचेज और सेल जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स है, ये बैलेंस शीट के आइटम्स नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाऊंगा। तो ये मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है, क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ये मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है, मुझे ये ज्यादा सही लगा है। तो आप लोगों के पास मैं चॉइस देता हूं, आपको जो भी करना है आंसर सेम आ जाएगा। परचेजेस मींस द गुड्स व्हिच हैव बीन परचेज्ड, तुम इनको बोलोगे कि इस एंगल से देखोगे कि गुड्स हमने परचेज कर दिया, तो गुड्स हमारे पास एसेट है, तो जो आ गया तो दैट इज अ रियल अकाउंट, तो तुम उसको रियल लगा के रूल लगा दो, और जब गुड्स आ गए तुम्हारे बिजनेस में, तुम परचेज अकाउंट डेबिट करोगे। और जब मैं बोलूंगा, मैं उसको परचेज को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करूंगा, हालांकि उसके बाद फिर एडजस्टेड परचेज वाला और क्लोजिंग स्टॉक वाला कंसेप्ट आएगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए मैं इसको पूरा का पूरा खर्चा मानूंगा। तो मैं लगा दिस इज द परचेज, दिस माई एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो जब भी मेरी परचेज हो जाएगी मैं उसको डेबिट करूंगा, और सेल इज माई रेवेन्यू, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो मैं सेल्स को क्रेडिट करूंगा। तो मैं अगर सेल्स हो जाएगी मेरी, तो सेल्स को क्रेडिट करूंगा, और अगर मेरी परचेज हो जाएगी, परचेज को डेबिट करूंगा। और अगर तुम रियल अकाउंट के बेस पे देखोगे, तुम बोलोगे गुड्स मेरे पास आ गए परचेजेस में, क्योंकि तुमने गुड्स खरीदे, तो परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, और जब तुम गुड्स को बेचोगे उसको सेल्स बोलते हैं, और जब गुड्स निकल जाएंगे एट द टाइम ऑफ सेल, तो तुम गुड्स को क्रेडिट करोगे, मतलब सेल्स को क्रेडिट करोगे। ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच पे। मॉडर्न अप्रोच में क्या बोलेगा, मॉडर्न अप्रोच बोलेगा, क्योंकि मैं तभी भी इसके एग्री करता हूं, मॉडर्न अप्रोच बोलता है जो परचेज है, जो परचेज है, हालांकि बुक वाला एसेट बोल रहा है, मैं इसको एसेट नहीं मार रहा हूं, मैं इसको एसेट एक्सपेंस मार रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसको एक्सपेंस मार रहा हूं। तो आपके पास, आप इसको एसेट भी मान सकते हो और एक्सपेंस भी मान सकते हो, बट मेरा जो अपना लॉजिक है या जिस चीज से मैंने अकाउंटेंसी समझी है, मैं इसको परचेज को एक्सपेंस मानता हूं। तुम बोलोगे सर सारा जिस चीज को अकाउंटिंग पता है, जिसको पता है आगे क्या इंपैक्ट आने वाला है, कि सर सारे गुड्स कहां हम जरूरी बेचेंगे, मैं बोला कोई बात नहीं, अभी मैं सबको एक्सपेंस मान रहा हूं, और लास्ट में जो बचेगा उसको रिवर्स कर रहा हूं, उतने में से वो मैं दिखाता हूं क्या करता हूं मैं। तो मैं परचेज को एक्सपेंस मानता हूं, तो अगर परचेज होगा मैं डेबिट करूंगा, और सेल्स को मैं रेवेन्यू बोलता हूं, या मैं उसको इनकम बोलता हूं, ठीक है, रेवेन्यू बोलो या इनकम बोल दो, ठीक है। तो इस तरह से मैं इनको क्लासिफाई करता हूं, ठीक है, यह हो गया। इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मेरा, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। अच्छा, मैं इससे पहले एक और एग्जांपल बोलता हूं जो थोड़ा सा सिंपल है, वो बैंक डिपॉजिट के साथ भी कंसेप्ट हो जाएगा। सबसे पहले बोलूंगा, अगर बैंक अकाउंट है मेरे पास, मतलब तुम्हारा बिजनेस का क्या है, एक तो कैश होगा कैश काउंटर, और तुम्हें लग रहा है कैश अच्छे से हैंडल नहीं होगा, तुम्हारे पास वो अकाउंटेंट है वो भी बोल रहा है कि सर मैं परेशान हूँ यार, कैश इतना रखना है जेब में, तो हम क्यों ना एक अकाउंट खोलेंगे मैं के। तो हमने बैंक में अकाउंट खोला, तो अगेन दैट बैंक अकाउंट इज आवर एसेट। हाँ सर, बैंक अकाउंट हमारा एसेट है। अभी हमारा कैश काउंटर था और हमारे पास बैंक अकाउंट है, तो कुछ पैसे हमारे कैश में है और कुछ हमारा कैश इन हैंड है और कुछ हमारा कैश है बैंक है। तो जिस तरह से हमारा कैश है उसमें कैश काउंटर है, इसी तरह से हमने क्या किया, बैंक में अकाउंट खोला। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हमें सर मैसेज आता है जब हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो हमारा मैसेज आता है बैंक से, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 5000 रुपीज, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 1000 रुपीज। और जब पापा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, या कोई दोस्त हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करता है जिसने हमसे उधार लिया होता है, तो हमें मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस मच अमाउंट। आता है नहीं आता है, हाँ, इस मतलब क्या है डेबिट और क्रेडिट का, वो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ।
तो वो भी मैं साइड में बताता हूँ और इन चीज़ों को भी मैं डिस्कस करूँगा। पहले मैं उसी चीज़ को डिस्कस करूँगा क्योंकि ये क्योरीज मुझे बहुत सारे बच्चों ने कर दी, सर हमें ये समझ नहीं आता वो क्या मतलब होता है। तुम लोगों को भी ये मैसेज आता है? हाँ सर हमें भी ये मैसेज आता है। हमें बैंक की तरफ से मैसेज आता है, बैंक बोलता है जब मैं एटीएम से पैसे निकालता हूँ तो बैंक के पास हमारा, बैंक से हमारा एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय ₹5,000। सर हमें समझ नहीं आता ये डेबिट क्या हो गया है, क्या मतलब है इसका। अब देखो आज के बाद तुम्हें मैसेज आ गया तो तुम्हें मैं याद आऊंगा। कौन बोल रहा है तुम्हें? बैंक। तो अपने आप को बैंक के एंगल से देखो, ये मैसेज कौन देख रहा है? बैंक। तो बैंक अपने एंगल से बात कर रहा है। बैंक बोल रहा है, किसी भी स्टूडेंट का नाम लेता हूं मैं यहां पे, मुनीब लेता हूं मैं नाम, सपोज वन ऑफ द स्टूडेंट इज मुनीब। मुनीब को एक मैसेज आ गया, जब भी उसने पैसे निकाले तो उसको बैंक वालों ने मैसेज कर दिया, जेके बैंक में उसका अकाउंट है, तो जेके बैंक वालों से उसको मैसेज आ गया मोबाइल पे, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 5,000 rupees। ठीक है, किसने डेबिट कर दिया? ये जेके बैंक ने उसका अकाउंट जो वहां पे था। तो मैंने तुम्हें पहले भी बोला था अकाउंट के बारे में, अपना खाता याद रखो। तो मुनीब बोल रहा है कि सर मेरा अकाउंट है जेके बैंक में। अगर जेके बैंक में अकाउंट है तो ये मुनीब का अकाउंट होगा जेके बैंक में? मुनीब का अकाउंट होगा जेके बैंक में? तो जेके बैंक जब अपनी अकाउंटिंग करेगा, जेके बैंक जब अकाउंटिंग करेगा तो मुनीब को क्या बोलेगा? सर जेके बैंक के लिए मुनीब एक पर्सनल अकाउंट है, एक बंदा है ना? हाँ सर मुनीब एक बंदा है, तो ये पर्सन आएगा जेके बैंक के लिए। तो जेके बैंक बोलेगा जब जब मुनीब पैसा देगा तो क्या बोलेंगे? क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर जब जब मुनीब पैसा भरेगा बिजनेस इसमें, तो मुनीब क्या करेगा? जब इसको पैसे देगा बैंक को, जब मुनीब पैसे देगा तो बैंक क्या बोलेगा? बैंक के पास कैश आया, किसने दिया? मुनीब ने। तो तब वो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू मुनीब अकाउंट। तो वो क्या तब क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। और जब जब मुनीब पैसा निकालेगा, जब जब मुनीब पैसा निकालेगा तो वो क्या बोलेगा? बैंक में क्या होगा? बैंक का कैश एटीएम से कम हो गया, तो बैंक का एक एसेट कैश कम हो गया, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। डेबिट किसको करेगा? डेबिट द रिसीवर। किसने ये पैसा लिया? या तुम उधर गए, तुमने कैश काउंटर पे गया, जो बैंक का आता है वो कैश काउंटर, तुमने तुम्हें क्या किया? वहां का जो कैशियर था उसने तुम्हें ₹5,000 पकड़ा दिया अगर तुम चेक लेके गए थे, तो वो क्या बोलेगा? कैश गया उसका, तो कैश को क्रेडिट करेगा। और किसने लिया? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? मुनीब। तो या तो तुम कैश काउंटर पे जाते हो तो तुम वो तुम्हें पकड़ा देता, वो देख लेता मुनीब ने रिसीव कर दिया। और अगर तुम एटीएम पे जा रहे हो तो वहां पे अज्यूम कर रहा है कि मतलब कौन निकाल रहा है? मुनीब निकाल रहा है, तो मुनीब ने रिसीव कर दिया, तो मुनीब को डेबिट करता है। तो वो बोलता है मुनीब अकाउंट डेबिट, मुनीब अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो ही वो अकाउंटिंग एंट्री करता है अपने सिस्टम में, मुनीब अकाउंट डेबिट, मुनीब के अकाउंट को कम करता है, मुनीब के अकाउंट को कम करता है, मुनीब अकाउंट को डेबिट करता है। और उसी दौरान सिस्टम के थ्रू तुम्हारे मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 5,000। तो बैंक ने क्या किया? उसको डेबिट कर दिया। और जब उल्टा होता है, जब तुम पैसे भरते हो तो बोलता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो वो बोलता है क्रेडिट द गिवर। और जब तुम निकालते हो तो बोलता है डेबिट द रिसीवर। इसका मतलब होता है कि जब तुम्हें बैंक से मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, डेबिटेड बाय बैंक, नॉट यू एंड यू, बट यू एंट्री यू विल डू, वो हम देखेंगे। अब देखो मुनीब यहां पे एक पर्सन था उस कॉन्टेक्स्ट में, बैंक में। अब मुनीब क्या है? मुनीब सपोज बिजनेसमैन है। अब मुनीब बिजनेसमैन है, मुनीब की दुकान है, तो मुनीब का बट अपना पर्सनल अकाउंट है, बट इन द नेम ऑफ बिजनेस, जो भी जैसे भी उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो उसने बिजनेस में, उन्हें बोला कि हम बिजनेस का अकाउंट क्या खोलेंगे, तो तुम्हारा अकाउंट रहेगा, बट मुनीब को बताया ये बिजनेस का अकाउंट है, ठीक है। तो अब मुनीब का जो वहां पे बैंक अकाउंट है बिजनेस के कंटेस्ट में, अब बिजनेस ने क्या किया? एक बैंक अकाउंट खोल दिया। तो मुनीब क्या बोलेगा? मुनीब के लिए अब जो बैंक है, बैंक मुनीब के लिए क्या है? जो बैंक है वहां पे, बैंक इज अ, बैंक अकाउंट जब उसने खोल दिया तो अगेन यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट से देखने के, तुम किसी भी तरीके से, जैसे तुम्हें बैंक ने देखा, बैंक ने बोला मुनीब पर्सनल है, इसी तरीके से तुम भी बोलोगे कि अब तुमने बैंक में पैसे जमा कर दिए, तुमने बैंक में पैसे जमा कर दिए, तुम उस बैंक को बोल सकते कि बैंक पर्सन है। हमने बोला था कि पर्सनल अकाउंट तीन तरीके होते हैं, या तो नेचुरल पर्सन होते हैं, या तो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं। जो इंसान है उनको नेचुरल बोलते हैं, और जो बैंक्स कंपनीज है उनको आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो तुम, या जैसे बैंक ने बोला कि मुनीब एक पर्सन है, तो मुनीब ऐसे तरह तुम बोलते बैंक एक पर्सन है, आर्टिफिशियल एंटिटी है। तो बैंक में जब तुम पैसा करोगे, तुम बैंक को डेबिट करोगे, तुम बैंक को डेबिट करोगे। तो अगर तुमने यहां पे बैंक अकाउंट उस एंगल से देखा कि तुमने बैंक में पैसा रखा है, तो बैंक को तुमने यहां पे, जब अगर तुमने बैंक में पैसा रखा, तुम बोलोगे बैंक इज एंटिटी
जहां पे तुमने पैसा डाल दिया, तो एंटिटीज आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, तो तुम बोलोगे सर बैंक पर्सनल अकाउंट है। क्या है? बैंक पर्सनल है। और अगर तुम इसमें देखोगे बैंक तुम्हारा क्या पास है, तुम्हारे पास वहां पैसा है, तो बैंक तुम्हारा एसेट है। यहां पे भी तुम बोल सकते हो बैंक अकाउंट तुम्हारा रियल अकाउंट है, ये भी बोल सकते हो। हालांकि बहुत कम लोग ये रियल बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से इसको रियल भी बोल सकते हैं। मतलब एक नजरिया देखने का है कि अगर तुमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, तुम बोलोगे मैंने किसको पैसे दिए, मैंने बैंक को पैसे दिए, तो बैंक को डेबिट करूंगा, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक ने लिया है, तो बैंक को तुम एज अ पर्सन मान के नॉमिनल इसमें ट्रेडिशनल में बैंक को तुम एज पर्सनल पर्सन मानोगे। अब तुमने बैंक को पैसे दे दिया तो बैंक को डेबिट करोगे, बैंक को डेबिट करोगे। और दूसरा एंगल देखने का, जिस एंगल से मैं भी देखता हूँ या जिस एंगल से आसान है देखने का, जैसे तुम्हारे पास कैश एसेट है, इसी तरह तुम्हारे पास बैंक बैलेंस तुम्हारा एसेट है। जब बोलते तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, मेरे कैश इतना है और मेरा बैंक बैलेंस इतना है, तो बैंक बैलेंस इज योर एसेट, तो तुम बोल सकते हो इट्स माय प्रॉपर्टी, बस इतना है, ये मेरा कैश अकाउंट में नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट में है, तो मैं बैंक को एज अ पर्सन ही देख रहा हूँ, बट मैं देख रहा हूँ वो भी मेरा ही एसेट है, तो मैं कैश को जिस तरह से रियल मानता हूँ, इसी तरह से बैंक को भी रियल मानता हूँ। तो जब जब मेरा वो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो मैं बोलूंगा डेबिट व्हाट कम्स इन, उस तरह से कि उसमें पैसा आया, बैंक एक मेरा कैश काउंटर है और बैंक काउंटर है मेरा मेजिन करने के लिए, तो डेबिट वर्ड का मशीन। या अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है, तो पर्सन के हिसाब से देखो, बैंक ने तुमसे पैसा लिया तो बैंक को डेबिट करोगे। ठीक है, समझ आई बात? हाँ सर, तो बैंक वालों को तुम्हारा समझ आया, या तो पर्सनल समझना है, पर्सनल समझो कि ठीक है बैंक इज अ पर्सन जिसको तुमने पैसे दिए तो उसको डेबिट करोगे, या तुम बोलोगे ये मेरा रियल अकाउंट है, ये मेरा एसेट है, तो ये बढ़ जाएगा। तो जैसी तरह से नॉर्म मॉडर्न में इसको एसेट बोलते हो, इसी तरह से ट्रेडिशनल में बोलते हो ये रियल है, प्रॉपर्टी है मेरी, तो डेबिट वर्ड कमजिन। अगर इसमें आ जाएगा बैंक में पैसा, तो उसको डेबिट करूंगा। ठीक है, डेबिट वर्ड कमजिन। इसी तरह से बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर तुमने बैंक में क्या कर दिया, नॉर्मल अकाउंट नहीं खोला, फिक्स्ड डिपॉजिट खोल दी, तो वहां पे भी सेम चीज रहेगा कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट खोल दिया, तुमने बैंक में पैसा दे दिया, तुम बोल सकते हो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पे देखोगे तो बैंक एफडी जो है, तुमने बैंक में पैसा लगा दिया, वो तुम्हारा एसेट है। ठीक है, रेंट हो गया। अब आई बात रेंट आउटस्टैंडिंग की, रेंट आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, हालांकि ये तुम्हें लगेगा बहुत थका हो, तो अगर तुम थक रहे हो तुम एक बार ब्रेक ले सकते हो, बट मैं ब्रेक नहीं लूंगा, तुम एक बार ब्रेक ले सकते हो, फिर बाद में देख लेना अगर तुम्हें लग रहा है ज्यादा हो रहा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि अब इसको बहुत आगे ले लो। हालांकि एक घंटे और 10 मिनट की लेक्चर हो गई, और सपोज अभी आधा घंटा और लगेगा, बट मैं चाहता हूं कि इसको आज के लेक्चर में ही कंप्लीट कर दूं, मैं इसको घुमाना नहीं चाहता। तो तुम लोग अगर थक जाओगे, तुम वेट कर देना, ब्रेक ले लेना, और बाद में इसको कंटिन्यू कर देना। ठीक है, ठीक है। अब रेंट तो समझ आया सर, रेंट खर्चा है, तो यहां पे देखेंगे नॉमिनल है और यहां पे देखेंगे एक्सपेंस है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? एक तो होता है परफॉर्मेंस में आउटस्टैंडिंग, मतलब एक्सलेंट, ये वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? जो अभी देना है, जो दिया नहीं। देखो, जब एक मंथ है, मार्च का मंथ है, सपोज मार्च का मंथ है, मार्च के मंथ में तुम्हें खर्चा है रेंट, तो तुम एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हालांकि ये बाद वाला कंसेप्ट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जब तुमने मार्च का रेंट पे कर दिया तो तुम एंट्री क्या करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ सर, हम करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जब हमने रेंट पे कर दिया। ठीक है, रेंट इज ए नॉमिनल और कैश दे दिया। बट सपोज तुमने रेंट नहीं दे दिया मार्च का तुमने रेंट नहीं दे दिया, बट तुम्हें मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से क्या करना है? जब हम जो अकाउंटिंग करते हैं, दो तरह के, मर्केंटाइल होता है और कैश होता है, एक्रूअल होता है और कैश होता है। हम जो अकाउंटिंग करते हैं डबल एंट्री, वो एक्रूअल बेस पे होता है। अकाउंटिंग दो तरह से होता है, या तो एक्रूअल या कैश। कैश में जब जब खर्चा हो गया तब तब अकाउंटिंग करेंगे, जब जब कैश आ गया तब अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, जब कैश आया तो अकाउंटिंग करेंगे, जब कैश गया तो तब अकाउंटिंग। बट दूसरा होता है एक्रूअल, मतलब हमने कैश दिया या नहीं, हम उस हिसाब से नहीं देखते हैं। हमारे पास रियलाइजेशन कंसेप्ट भी बोलता है, व्हेन एन एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड दैट नीड्स टू बी बुक्ड इन द बुक्स। ठीक है, तो अगर तुमने कैश नहीं अभी दिया, अगर तुमने कैश अभी नहीं दिया, तो खर्चा तो तुम्हें बुक करना है। तुम्हारे पास मैचिंग कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट बोलता है इस साल के रेवेन्यू में जितने भी खर्चे आ गए वो तुम्हें खर्चा बुक करना है। अब तुम इस साल का प्रॉफिट लॉस बनाओ, तो मार्च का रेंट तो हुआ है ना, तो इस साल की जो रेवेन्यू है उसमें तो मार्च का रेंट भी गया है, बट अभी तो कैश दिया नहीं है, तो हम एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्या करते हैं? रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो रेंट जाता है, फिर हमारा खर्चा है एज एन एक्सपेंस, तो रेंट मेरा नॉमिनल है एज एन एक्सपेंस। और रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है मेरा? अगर मैं कैश देता तो कैश करता, बट अभी मैंने कैश नहीं दिया, तो रेंट आउटस्टैंडिंग मेरी क्या रहेगी फिर? सारे मेरी लाइबिलिटी रहेगी फिर, है ना?
तो रेंट आउटस्टैंडिंग की मेरी क्या बनेगी, लाइबिलिटी। इसी तरीके से होता है सैलरी आउटस्टैंडिंग, अगर हमने एम्प्लॉई को सैलरी देनी है तो तुम सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे, बट तुम्हारे पास पता होगा कि सैलरी देते हैं नॉर्मली सातवें दिन, मतलब मजदूर वजदूरों को इनको सैलरी या वेजेस है, वेजेस और सैलरीज, ठीक है। तो ये तो खर्चा तो मंथ का है, तो 31 मार्च को तुम वेजेस अकाउंट डेबिट करोगे, बट तुम कैश तो 7वीं तारीख दोगे, नेक्स्ट मंथ के 7वीं तारीख को, तब अकाउंटिंग एंट्री होता है, तुम्हें मार्च में ही कर दिया, तुम्हें बुक्स तो मार्च के बने, तब एंट्री करते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग इज द अमाउंट विच इज टू बी पेड टू द एम्प्लॉइज, टू द वर्कर्स ऑफ अ कंपनी हु हैव वर्कड, यू हैव टू डू द अकाउंटिंग एंट्री। तो तुम क्या करते हो, वेजेस अकाउंट डेबिट या इस तरह से रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, जो उसके लैंडलॉर्ड को देना है। और इसी तरह से जो जब ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, जब सैलरी आएगी या वेज आ गए, तो तुम्हें अपने एम्प्लॉयज को या अपने वर्कर्स को देनी है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग तुम एज लाइबिलिटी खड़े करते हो। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग या रेंट आउटस्टैंडिंग क्या करता है, इट्स अ लाइबिलिटी विच इज टू बी पेड टू द लैंडलॉर्ड और द वर्कर्स ऑन द 7th day व्हेन इट इज गेट्स ड्यू। तो तब तक तुम क्या करते हो, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट खड़ा करते हो। तब रेंट आउटस्टैंडिंग देखो, अगर तुम उसका एनालाइज करो, रेंट आउटस्टैंडिंग तुम्हारा लाइबिलिटी है, मतलब ये 5,000 तुम्हें देना है, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन जिसको तुम्हें 5,000 देने हैं, बट तुम उस पर्सन का अकाउंट नहीं खोलते हो, तुम क्यों, तुम्हें क्या है, तुम्हें रेंट से गर्ज है। तो इसी तरह तुम वर्कर्स का अकाउंट नहीं खोलते हो, फिर तो लाखों अकाउंट्स खुलते हैं। तो तुम्हें पता है ये वर्कर्स का अकाउंट, वर्कर्स को नहीं दे, वर्कर्स को पैसा देना वेज आउट, हम वर्कर्स का एक एक अकाउंट नहीं खोलते, तो हम बोलते हैं ये दिस इज वेजेस आउटस्टैंडिंग, दिस इज वेजेस आउटस्टैंडिंग। बट ये तुम वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग या रेंट आउटस्टैंडिंग अगर तुम देखोगे, हमारी लाइबिलिटी है। बट दूसरे एंगल से अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये तुम्हारा लाइबिलिटी है, तो मॉडर्न अप्रोच से तुम्हें प्रॉब्लम ही खत्म होगी, ये तुम बोलोगे ये लाइबिलिटी है, यहाँ पे बोलोगे तुम्हें मॉडर्न हिसाब से ये लाइबिलिटी है। बट प्रॉब्लम आती है हमारी, प्रॉब्लम हमारी आती है कि जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच से बोलेंगे, ये पर्सनल में आएगा, रियल में आएगा या नॉमिनल आएगा। तो रेंट आउटस्टैंडिंग तुम्हें लाइबिलिटी आ गई, क्या नॉमिनल में आएगा, इनकम और एक्सपेंस तो है ही नहीं है, इनकम और एक्सपेंस तो इनकम तो एक्सपेंस तो रेंट था, वो तो तुमने कर ही दिया, बट रेंट आउटस्टैंडिंग तो एक्सपेंस नहीं है ना, ये तो लाइबिलिटी है, तो नॉमिनल में भी नहीं आएगा, रियल में भी नहीं आएगा। पर्सनल में क्या आता है, पर्सनल में क्या आता है, पार्टीज, ये भी पार्टीज डायरेक्टली तो है नहीं, डेटर क्रेडिटर तो नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, रियल नेचुरल भी नहीं है। रेंट आउटस्टैंडिंग एक अकाउंट तुमने खोल दिया, रेंट आउटस्टैंडिंग तुमने एक अकाउंट खोल दिया, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन जिसको ये मिलेगा। हालांकि उस पर्सन का, अगर तुमने उस पर्सन का अकाउंट खोला होता, सपोज ये मुझे रेंट देनी थी, तो अगर मैंने एंट्री की होती रेंट अकाउंट डेबिट टू लतीफ अकाउंट, बट मैं अपना लतीफ का अकाउंट नहीं खोलता क्योंकि मेरे लिए रेंट गैरेज में होता है, तो मैं रेंट का अकाउंट खोलता हूँ, कैश में देता हूँ। बट अगर कभी नहीं दिया तो मैं रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट खोलता हूँ, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये सब जो होते हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग सम पीपल जिसका अकाउंट मैं बिजनेस में नहीं रिकॉर्ड ओपन करता हूँ, तो दीज आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। समझ आई बात? तो ये जो मेरा है, दिस इज पर्सनल अकाउंट, रेंट आउटस्टैंडिंग इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में कहाँ, तो पर्सनल में जो ने तीन चीजें बोली थी, नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, द अकाउंट विच आर रिप्रेजेंटिंग अ पीपल। इस तरह से रेंट आउटस्टैंडिंग इज द अमाउंट विच इज टू बी पेड पेबल टू द लैंडलॉर्ड, बट मैं लैंडलॉर्ड का अकाउंट नहीं खोल रहा हूं, तो अगर मैं लैंड अकाउंट को खोलता तो मैं सीधे आ जाता पर्सनल में, लैंडलॉर्ड इज अ पर्सन, बट मैं उसका अकाउंट नहीं खोल रहा, मैं एक अकाउंट खोल रहा हूँ विच इज रिप्रेजेंटिंग दैट लैंडलॉर्ड, सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट विल फॉल अंडर दैट पर्सनल अकाउंट, तो मैं बोलूंगा इसका नेचर पर्सनल अकाउंट है। समझ आई बात? यही था वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो मैं वहां पे छोड़ दिया था, मैंने बोला था इसको मैं आगे अपने वक्त पे बोलता हूं। जब मैंने पहला नोट बनाया था, तब भी किसी बच्चे ने बोला था सर आपने तो कम दिखा दिया, मैंने बोला था इस चीज को आप मेरे तक छोड़ दो, मुझे पता है कब बच्चे को कौन सा डोज कब देना है, ठीक है, डॉक्टर को ही पता होता है, ठीक है, तो खुद डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं होती है, और थोड़ा सा वेट करना होता है, ये नहीं बोलता कि डॉक्टर ने मुझे ये दवाई नहीं दी और ये दवा भी तो है, दवाई कब देनी है वो डॉक्टर बोलेगा, ठीक है, तो यहां पे मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, ठीक है, समझ आई बात? अगर फर्दर तुम्हारा कोई डाउट होगा तो मेरा नंबर तुम लोगों के पास है, मुझे मैसेज कर देना कि हमें सर इसका लॉजिक समझ नहीं आया। हो सकता है कि सब लोगों को ये समझ नहीं आया इसका लॉजिक, बट मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें वाकई इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में तो विदाउट लॉजिक्स आगे मत बढ़ो, मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है, मैं वॉइस नोट भेजूंगा या तुम्हें तब भी समझ नहीं आएगा तब मैं फिर तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें इनमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आया, मुझे लगता है कि ठीक है, अगर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चीज़ें डिस्कस कर दी, और हो सकता है 80% को सारा समझ आया, 20% बच्चों को हो सकता है कि ये एक बैंक डिपॉजिट अकाउंट या रेंट आउटस्टैंडिंग समझ नहीं आया, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा दूंगा, तो तुम लोग मुझे कॉल कर देना, मुझे मैसेज कर देना, पहले इंस्टेंस में मुझे मैसेज कर दो, मैं जब सही टाइम होगा मैं तुम्हें वॉइस नोट भेजूंगा या मैसेज कर दूंगा, ठीक है, पहले इंस्टेंस में कॉल नहीं कर देना,
उसके बाद अगर लगा कि नहीं समझ आ रहा है तब मैं खुद ही आपको तुमसे अपॉइंटमेंट लूंगा, तब मैं अपॉइंट लूंगा जब आप फ्री हो गए, तो उस हिसाब से एक कोई टाइम निकाल देंगे, तब मैं तुम लोगों को कॉल करूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे अब फर्दर में जाऊंगा डेप्थ में तो वो फायदा नहीं बनता है, क्योंकि आई अज्यूम 80% को ये समझ आया होगा जो मैंने बताया, 20% में कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा, 20% ऑफ 20% तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो हम टाइम उतना नहीं लगा सकते, ठीक है। एक मिनट जस्ट होल्ड कर देना, क्योंकि यहाँ पे ना बैकग्राउंड में थोड़ी सी लाइट आ रही है, क्योंकि मैंने वहाँ पे पर्दा रखा था और गिर गया है, तो एक मिनट सिर्फ होल्ड करता है, मैं उसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं पॉज करता हूँ फॉर द टाइमिंग। हाँ, वेलकम बैक, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे वो शेड्स नहीं आ रही है, वाइट शेड्स जो इससे पहले आ रही थी, ठीक है। अब आ जाओ, तुम्हारा कैश हो गया, उसके बाद एडजस्टेड परचेज है। एडजस्टेड परचेज जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे वहाँ पे मैं बोलता हूँ एडजस्टेड परचेज क्या है, मतलब बेसिकली क्या है ना, परचेज मैंने पूरा क्या था, जब ऊपर देखा था परचेज, मैंने इन्होंने बोला था परचेज इज रियल है, मैंने बोला था परचेज इज नॉमिनल है, ठीक है, और इनके हिसाब से हमारा परचेज एक्सपेंस था, ठीक है। और यहाँ पे ये बुक जो बोलती है ये एसेट बोलती है, हालांकि मेरे हिसाब से वो एक्सपेंस है, ठीक है। तो उसका जो अच्छा तरीका और है वो एडजस्टेड परचेज, हालांकि मैं एडजस्ट परचेज पे कोई अकाउंट हम खोलते नहीं है, बट इन्होंने इसमें डाल दिया एडजस्टेड परचेज, अदरवाइज हम एडजस्टेड परचेज हमसे कोई अकाउंट नहीं खोलता है। मतलब क्या है एडजस्टेड परचेज का, मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैंने 5 लाख का माल परचेज कर दिया तो क्या मैं पूरे साल में 5 लाख का माल बेचूंगा पूरा? नहीं सर, हो सकता है मैं 4 लाख का माल बेचूँ, क्योंकि 1 लाख का माल मेरे दुकान में रहेगा ही, तो जितना मैंने माल बेच दिया उसको हम एडजस्टेड परचेज बोलते हैं, दैट इज टोटल गुड्स परचेज माइनस गुड्स विच आर स्टिल अवेलेबल विद अस, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। तो सेल्स में से हम उतना ही लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कैसे करते हैं वो हम बाद में बताता हूँ। तो एडजस्टेड परचेज तुम्हारा क्या है, अल्टीमेटली फिर तुम्हारा इतना ही खर्चा हो गया तो दैट इज प्योरली नॉमिनल, तो तुम्हारा नॉमिनल, और यहाँ पे जब तुम देखा जाएगा तो वो तुम्हारा एक्सपेंस आएगा इसमें। क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब जो तुम्हारे पास माल बचा है दैट इज योर गुड, दैट इज योर प्रॉपर्टी, दैट इज योर रियल अकाउंट, और वहाँ पे भी तुम्हारा वो एसेट आ जाएगा मॉडर्न में, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अगर तुमने पैसा लगा दिया कहीं पे, तो इन्वेस्टमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, दैट इज द रियल है, और अगर वहाँ पे देखोगे इन्वेस्टमेंट इज द एसेट, ठीक है, वहाँ पे बोलो तो मॉडर्न। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर, क्या होता है डेटर। अब डेटर क्या है तुम्हारा, अगर तुम वहाँ पे देखोगे डेटर कोई बंदा होगा तो वो पर्सनल में आ जाएगा, ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे देखोगे डेटर तुम्हारा एसेट आ जाएगा। सेल्स टैक्स पेएबल, तुम्हें टैक्स पे करना है, टैक्स पे करना है, किसको पे करना है सर, गवर्नमेंट को पे करना है, अगेन गवर्नमेंट इज अ पर्सन, तो ट्रेडिशनल में पर्सन आएगा और वहां पे तुम्हारा ये लाइबिलिटी आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट तुमने अलाउ कर दिया तो डिस्काउंट अलाउ इज एन एक्सपेंस, तो ये नॉमिनल है और वहां पे भी ये एक्सपेंस है। बैड डेट, बैड डेट का मतलब क्या है, डेटर मतलब होता है जिसको उधार देते हो, बैड डेट का मतलब क्या है, जब वो पैसे नहीं देता है तो तुम्हारा नुकसान होता है, तो बैड डेट इज योर एक्सपेंस, इज योर लॉस, और वहां पे तुम्हारा बैड डेट एक्सपेंस आएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, ट्रेडिशनल में देखो तो पर्सनल है, ठीक है, और इसमें देखो तो कैपिटल है तुम्हारा। इसी तरह से ड्राइंग्स, अगेन ड्राइंग्स बंदा ले रहा है तो पर्सनल है और वहां पे भी तुम्हारा ये कैपिटल में है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, अब तुम्हें पैसा आएगा तो किसी से आएगा, बैंक से आएगा, तो दैट इज द पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पे भी देखोगे तुम्हारा एसेट आएगा ये, ठीक है। और रेंट रिसीव्ड एडवांस, और अगर तुम्हारा एडवांस में रेंट आ गया, किसी बंदे ने तुम्हें एडवांस में रेंट दे दिया, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव, उसने तुम्हें एडवांस में दे दिया, अभी तो तुम्हारी इनकम थी नहीं, तो जब इनकम होगी तब इनकम लो जाओ, बट अभी तुम्हें एडवांस में रेंट आया है तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन जिसने तुम्हें एडवांस में दे दिया, तो दिस इज योर काइंड ऑफ लाइबिलिटी टू दैट पर्सन, तो ये तुम्हारा पर्सनल अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा ये लाइबिलिटी आ जाएगा। प्रीपेड सैलरी, सैलरी तुम्हें एडवांस में दे दी, तो जिस तरह से सैलरी आउटस्टैंडिंग तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, इस तरह से अगर तुमने किसी को एडवांस में सैलरी दे दी तो अगेन दैट इज योर, अगर यहाँ पे देखा जाए तो तुम्हारा एसेट आएगा मॉडर्न में, बट यहाँ पे देखोगे तुम्हारा दैट इज पर्सनल अकाउंट, क्योंकि उसने तुम्हें ले लिया है तुमसे एडवांस, तुम उसको डेबिट करोगे उसके अकाउंट को, ठीक है। इसी तरह से बैड डेट्स रिकवर्ड, अगर तुम्हारे पास बैड डेट्स हो गए थे पहले, फिर वहाँ से कुछ पैसा आ गया, तुम्हें लगा था कोई बंदा पैसे नहीं देगा तो उसको बैड डेट बोला था, फिर उसने भी बाद में पैसा दिया, पहले तुमने उसको लॉस माना था और जब दे दिया तो देन तुम्हारे लिए ये गेन हो गया, तो गेन को तुम इनकम मानते हो, तो वो तुम्हारा नॉमिनल रहेगा और यहाँ पे तुम्हारा वो मॉडर्न में वो इनकम माना जाएगा। डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन क्या है, हम एसेट के वैल्यू को कम करते हैं, जब आगे डेप्रिसिएशन आएगा तब तुम्हें बताता हूँ। और इस तरह से पर्सनल इनकम टैक्स, अगर तुमने अपना टैक्स दे दिया तो बिजनेस का टैक्स नहीं है, तो इन बंदे को टैक्स खुद को देना था गवर्नमेंट के हिसाब से, तो वो इंसान अगर बिजनेस से देता है तो उसकी ड्रॉइंग मानी जाती है, क्योंकि तुम्हें जो टैक्स देना था वो तुम्हारी लाइबिलिटी थी, बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं थी। अब तुमने निकाल दिया बिजनेस से तो वो बिजनेस बोलेगा भाई तुमने ड्रॉइंग ले ली, तुम जहां मर्जी उसको ले लो, बच्चे की फीस भरो, अपना इनकम टैक्स भेजो, हम तो बोलेंगे तुम्हारी ड्रॉइंग है, और यहाँ पे भी वो कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो तुम खुद ही करोगे, किसी पे तुम्हें समझ नहीं आएगा तो वो मैं बताऊंगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जांपल नंबर 1, वापस आ जाओ नेक्स्ट प्रीवियस पेज पे।
From the following information, state the nature of the account, state the nature of the account and state which account will be debited and which account will be credited. तुम्हें बोलना है कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. सबसे पहला स्टार्ट विद द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज. तो इसको मैं थोड़ा समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है. सबसे पहले में क्या हो गया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया 50 लाख से. तो यहाँ पे 50 लाख तुम्हारा क्या हो सकता है, तो या तो अगर तुम्हारा कैश आ गया बिजनेस में तो 50 लाख कैश और कैपिटल 50 लाख, ठीक है. तो फिर ट्रेडिशनल से रूल देखोगे तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो कैसे करोगे, सबसे पहले देखोगे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कैश और कैपिटल. फिर क्या बोलोगे, कैश आ गया, कैश इन रियल अकाउंट तो रूल इज डेबिट बट कमर्स इन, तो कैश को डेबिट करेंगे. कैपिटल क्या है, क्रेडिट द गिवर, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे. तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पर्सनल से. और अगर इसी चीज को सपोज ट्रेडिशनल से और इसी चीज को मॉडर्न से देखेंगे, हम बोलेंगे कैश एसेट है, कैश बढ़ गया बिजनेस में, कैश बढ़ गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैपिटल बढ़ गई तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे. तो इसको डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है. तो दूसरा तरीका, अगर कैश की जगह बैंक होता तो मैंने तुम्हें बोला तुम बैंक के लिए भी दोनों चीजें कर सकते हो. बैंक को तुम एज अ पर्सनल ट्रीट कर सकते हो कि तुमने बैंक में पैसे दे दिए, बिजनेस के बैंक में पैसे दे दिए, तो बैंक को डेबिट करोगे. किसने दे दिया, कैपिटल ने दे दिया, तो कैपिटल को क्रेडिट. तो बैंक तुम्हारा पर्सनल हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. और बैंक को रियल मानना है तुम्हें तो बैंक में पैसा आ गया तो डेबिट, ठीक, दोनों चीजें कर सकते हो. इसी तरह से वेजेस एंड सैलरीज पेड, अगर तुमने सैलरीज दे दी 5000 की, तुमने क्या कर दिया, सैलरीज दे दी 5000 की और क्या इन्वॉल्व हो गया सर, और कैश इन्वॉल्व हो गया 5000. सैलरी होगी 5000 और कैश होगी 50000 सपोज. तो पहले आइडेंटिफाई करोगे तो उनसे दो अकाउंट्स हो गए, हाँ सर सैलरी और कैश हो गया इन्वॉल्व. फिर इनका रूल देखो, सर सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल है, तो सैलरी सर हमारा नॉमिनल है और कैश जो हमारा है, कैश हमारा रियल है. सैलरी का है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, तो ये सैलरी खर्चा हो गया तो उसको डेबिट करेंगे. कैश का है क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश निकल गया. तो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बोली थी, जब एक डेबिट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा, तो आगे की जाना नहीं है. एंट्री हो जाएगी सेल सैलरी अकाउंट डेबिट, तो इसकी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 50000, ठीक है. और इसी को मॉडर्न से देखेंगे तो सैलरी इज योर एक्सपेंस, कैश योर एसेट, तो एसेट कम हो जाएगा तो उसको क्रेडिट करेगा और सैलरी एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो उसको डेबिट करेगा. एंट्री सेम रहेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. रेंट रिसीव्ड 2 लाख, तुम्हें रेंट आ गई 2 लाख, तो दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो गए, दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो गए, अगर तुम्हारे पास रेंट आ गई, अगर तुम्हारी रेंट आ गई 2 लाख की, मतलब तुमने दुकान कहीं किराए पे दे दी, तुम्हें रेंट आ गया 2 लाख का, तो सर एक तो रेंट है और कैश है 2 लाख. रेंट तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, अब जब तुम रेंट देते तो तुम्हारे लिए रेंट एक्सपेंस हो गया, और जब तुम्हें रेंट मिलेगा तो रेंट तुम्हारे लिए क्या होगा, इनकम, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया. और कैश सर, कैश रियल अकाउंट है. कैश आया कि कैश गया, सर कैश आ गया, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट वर्ड का मशीन. रेंट क्या है तुम्हारी, रेंट हमारी इनकम है यहाँ पे, क्योंकि हमें इनकम मिल रही है, तो क्रेडिट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. तो रेंट इन इटसेल्फ, रेंट है नॉमिनल अकाउंट, इन इटसेल्फ से इनकम और एक्सपेंस नहीं है. अगर मुझे मिल रही है रेंट तो मेरे लिए इनकम है, और अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं तो मेरे लिए एक्सपेंस है, डिपेंड करता है, बट रेंट नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है. तो अगर मॉडर्न से देखा जाएगा, रेंट इज अगर इनकम तुम्हारे लिए है, तो इनकम में आ जाएगा, और कैश तुम्हारा एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो सर एसेट बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे, इनकम बढ़ेगी तो इनकम को क्रेडिट करेंगे. तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. इसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 9 लाख रुपए, तुमने गुड्स को परचेज कर दिया. अगर तुम गुड्स को परचेज करोगे तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, सर एक तो परचेज इन्वॉल्व हो गया, सर एक तो परचेज इन्वॉल्व हो जाएगा, और दूसरा सर गुड्स को परचेज कर दिया, या तो हो सकता तो तुम कैश में परचेज करते, बट अगर तुमने कैश में परचेज नहीं किया, तुमने क्रेडिट में परचेज कर दिया, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, वो क्रेडिटर हो गया. तुमने क्रेडिट का मतलब उधार, तो यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे क्रेडिटर इन्वॉल्व होगा. कैश तो परचेज हो जाएगा और क्रेडिटर हो जाएगा. परचेज अगेन जो मैंने तुम्हें बोला था, परचेज तुम क्या बोल सकते हो, तुम इसको रियल भी बोल सकते हो. अगर तुम ये इसको एज एसेट मानोगे कि गुड्स आ गए, तुम इसको रियल बोल सकते हो, और क्रेडिटर तो तुम्हारा पर्सनल है ही, और परचेज को तुम क्या कर सकते हो, नॉमिनल भी मान सकते हो, ठीक है. तो अगर तुम रियल मानोगे गुड्स तुम्हारे पास आ गए तो तुम बोलोगे डेबिट बट कम्स इन, या तुम इसको नॉमिनल मानोगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेज को एक्सपेंस मान के डेबिट करोगे, और क्रेडिटर को बोलोगे पर्सनल, क्रेडिट द गिवर, उसी ने ये दे दिया तुम्हें गुड्स तो उसको क्रेडिट करोगे. अब इस चीज को तुम मॉडर्न अप्रोच से देखो, मॉडर्न अप्रोच से तुम्हारा परचेज क्या हो जाएगा, सर परचेज मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, और
क्रेडिटर मेरा क्या हो जाएगा सर, क्रेडिटर मेरा लाइबिलिटी हो जाएगा। लाइबिलिटी बढ़ेगी ना इससे, हाँ सर लाइबिलिटी को बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे, एक्सपेंसेस मेरा बढ़ेगा ना एक्सपेंस को डेबिट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे भी मॉडर्न में अगर तुम इसको एसेट मान रहे हो तो एसेट बढ़ेगा तो उसको डेबिट करोगे, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर 8,10,000, 8,16,000 एंड रिसीव्ड पेमेंट इन चेक, और तुम्हें चेक मिल गया तो मतलब तुम्हारा बैंक अकाउंट बढ़ेगा। तो दो अकाउंट से इन्वॉल्व हो जाएगा, एक तो बैंक हो गया और तुम्हारी सेल्स हो जाएगी। बैंक अगेन तुम पर्सनल मान सकते हो कि तुमने बैंक में पैसे जमा कर दिए, बैंक इज अ पर्सन तो ही हैज रिसीविंग, तो उसको डेबिट करोगे। और सेल्स तुम्हारी नॉमिनल है तो उसको क्रेडिट करोगे, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। या तुम बैंक भी एक एसेट मान सकते हो रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया तो बैंक को डेबिट करोगे। सेल्स तुम्हारी नॉमिनल है, इनकम है तो सेल्स को क्रेडिट करोगे। और मॉडर्न में क्या हो जाएगा, सेल्स विल बी योर रेवेन्यू और उसको क्रेडिट करोगे, और बैंक विल बी योर एसेट तो उसको डेबिट करोगे। इस तरह से ये इलस्ट्रेशन और ये एग्जांपल कंप्लीट हो गई। इस तरीके से हमारा जो जर्नल के लिए जितना भी चीज़ें था तुम्हारे सिलेबस में, एक था तुम्हारा डबल एंट्री तो वो हमने पढ़ लिया, डबल एंट्री का मतलब क्या है। उसके बाद तुम्हारे पास जर्नल था वो भी हमने कर दिया, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग वो भी हमने कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेजर करेंगे जर्नल के बाद वाला चीज़, उसके बाद ट्रायल बैलेंस करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस करेंगे और फिर छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, बट मेजर जो चीज़ था वो आपका जर्नल था, ठीक है। अब जर्नल के बारे में जितने क्वेश्चन इसमें वो कर लो, और खुद से कोई भी तुम्हारे पास बुक होगी तो वहाँ से जर्नल करोगे अगर तुम्हें ज़्यादा डेप्थ में जाना। बट अगर तुम्हारा सिर्फ ये SSB का अकाउंट स्टैंड का एग्जाम पास करना है तो ये तीन लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी है। अगर तुमने आज से पहले दो लेक्चर्स नहीं देखी थी, पहले उन लेक्चर्स को देखो, उसके बाद इस लेक्चर को दोबारा देखो, ठीक है। ये इस बात रही, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेजर अकाउंट्स उठा देंगे, तो उसके नोट्स भी मैं बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, इसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, अगर उसमें नहीं हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, तुम उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, हालांकि वो जल्दी फुलफिल होने वाला है। और अगर वो फुल हो गया तो मैं कोशिश करूँगा दूसरा, अगर जस्ट मैं अभी तो वही रखूँगा, और अगर मुझे लगेगा वो पूरा हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा तो उसमें डाल दूंगा। और यहाँ पर मैं दूसरा लिंक डालूंगा गूगल, अपनी गूगल ड्राइव का, जहाँ पर ये सारे नोट्स अवेलेबल है, तो आप उस गूगल ड्राइव के लिंक को शेयर मतलब सेव कर दो अपने मोबाइल पे कहीं पे भी कॉपी करके, तो कभी भी आपको जाना है तो आप उस लिंक पे क्लिक कर दो, वहाँ पे जितने भी नोट्स मैं बनाता हूँ मैं उसमें अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको एक एक करके अपने पास नहीं रखना है तो आप उसमें लिंक पे जा के वहाँ से निकाल सकते हो। तीसरी चीज़, क्योंकि ये वीडियोज़ कभी भी आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो नोटिफिकेशन आइकन है, बेल आइकन जो है उसको दबा दो, क्योंकि जब भी तुम्हारे नाम का लेक्चर आ जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा और तुम उसको देखो, ठीक है। इतना ही आज के लिए, टिल देन सी यू।